आपकी आवाज आने दो। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे संग सीधे सब लोग जुड़ने वाले हैं और आप लोग आज के इस कार्यक्रम में अपने जितने भी प्रश्न हैं बगैर संकोच के आप लोग इसमें रखें और आज जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं दिए जाएंगे। फिर आने वाले दिनों में इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी के संग साझा किए जाएंगे। कि हमारा एनजीओ का उद्देश्य और हमारे ग्रुप डिफाइंड वैल्यू कंसल्टेंट प्रोजेक्टिव परिवर्तन और सभी पूरी टीम का पूरा एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि भारत विश्व गुरु बने और सभी का सहयोग इसके लिए चाहिए। और साथियों, जो कोई भी इसमें किसी भी कारण से यहाँ पे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप लोगों ने जो हमने चैट दे रखे हैं वो सब आप लोग उसमें आकर के जुड़ सकते हैं। चैट हमने आप लोगों को जो डिटेल दिए हुए यूट्यूब चैनल से, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और आप लोग उसमें आकर के उसको भी देख सकते हैं। तो साथियों, हम लोग अब शीघ्र ही इस कार्यक्रम को तैयार करने वाले प्रारंभ करने वाले हैं। हमारे संग इलियास साहब जुड़ चुके हैं, वीरेश्वर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही शीघ्र तारिक साहब भी हमारे संग जुड़ने वाले हैं। और जैसे ही तारिक साहब हमारे संग जुड़ते हैं तो हम लोग यह कार्यक्रम बिल्कुल एकदम प्रारंभ करेंगे। तब तक आप लोग अपने प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और संभवतः यह कार्यक्रम अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करेगा जिसकी हम लोगों को कई दशकों से प्रतीक्षा थी। तो साथियों, थोड़ी सी और प्रतीक्षा और इसी के साथ ही हमारा कार्यक्रम जो है प्रारंभ होगा और जिसमें हम बहुत ही सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर देंगे जिनकी कि हम कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरविंद जी, जब तक तारिक साहब नहीं आते हैं तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम, तारिक साहब का मैंने इसीलिए इसमें कीर्ति जी को भी ले रखा है। कीर्ति जी को मैं वो फोहस बना दे रहा हूँ जिससे कि वो देख करके। कीर्ति जी, मैं आपको तारिक साहब आ रहे हैं, शायद एक बार आप देख लीजिए लिस्ट में। अरविंद जी, तारिक नाम तीन है, तीन तारिक हैं, एक तारिक है, बस 5 मिनट में ज्वाइन करेंगे। अच्छा अच्छा, उनसे बात हुई मेरी। तो इस तरीके से पूरी तरीके से उसमें उनका तो पिछली बार नाम आया था, इस बार ये 3 तारीख तो है, मैंने सर्च करके देखा। कीर्ति जी, आपको कोहोस बना दिया, आप उनको एज अ पैनलिस्ट ले सकते हैं। जी ठीक है। नीलोफर जमादार जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, क्या कहना चाहती हैं जब तक तारिक साहब नहीं आते हैं। जी नीलोफर जी, नीलोफर जी, जी नीलोफर जी, क्या आपकी आवाज अभी जाएगी? इसके बाद अगर जैसे वीडियो चलाने रहेगा तो वो लोग जब आवाज नहीं आ रही है तो खुल जाएगा। इम्तियाज आलम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इम्तियाज आलम जी, इम्तियाज आलम जी, आप सुन पा रहे हैं? तब तक आप फरहान अब्बास जी को अनम्यूट कर लीजिए। फरहान अब्बास जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करिए अपने को अपने स्तर से।
हेलो जी फरहान अब्बास जी, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा सवाल ये है कि सर मेरे कई दोस्त हैं सर, मैं उनको कई बार समझा चुका हूँ कि आप सिर्फ एक ईश्वर की प्रार्थना, उसकी ही प्रार्थना करें, उसी की पूजा करें, एक ईश्वर की, और किसी को ना पूजें। हजरत वो मेरी बात मानते ही नहीं, मैं उनको किताबों से हवाले देता हूँ, उन्हीं की किताबों से। वो कुछ मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि जो हमारे पीछे जो हमारे बुजुर्ग जो करते हुए हैं, क्या वो गलत हैं सब, क्या वो झूठे थे सर? बस यही सवाल है मेरा। फरहान अब्बास जी, इसका उत्तर अगर सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे संग उपस्थित हैं मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब। मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो अपने को वीडियो ऑन करके इन प्रश्नों के उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब जी, जी प्रणाम आदरणीय। नमस्कार जी। जी प्रणाम जी। आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा आपको जी लाइन पकड़े जी। प्रश्न आया है हमारे बीच में से एक, उनका प्रश्न आपने संभवतः सुना होगा फरहान अब्बास जी का, कि वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर एक ही है और एक ही ईश्वर की पूजा करें, ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए? इसको तर्कसंगत बताना चाहिए लोगों को, ईश्वर एक है और ईश्वर का नियम भी एक ही है, तो उसकी उपासना, उसके अलावा किसी और की उपासना नहीं होगी। पूजनीय एक है, आदरणीय बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सही कहा आपने, पूजनीय एक है, आदरणीय कई सारे हो सकते हैं। तो अब्बास साहब, आपने जो इन्होंने मुफ्ती साहब ने बोला, एकदम बड़े सपाट और दो टूक बड़े ही छोटे में सारी बात कह दी है, तो आपको इसी पे ही ध्यान केंद्रित करना है कि ईश्वर एक ही है और वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय कई हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही सूक्ष्म में बहुत ही अच्छा उत्तर दिया मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब, बहुत ही सुंदर। अब हमारे मध्य में सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब आ चुके हैं, जो कि अल्लामा के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे मनीष जी, वीरेश्वर उपाध्याय जी भी आ चुके हैं, हितेश चंदेल भी आ चुके हैं, और लोग भी धीरे धीरे बोल रहे हैं। मोहन बेटा, अब आगे के प्रश्नों के और हमारा पूर्ण विश्वास है कि आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा और एक ऐसा होने वाला है जो एक ऐसे मार्ग को प्रशस्त करेगा कि जहां हम बहुत से क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा अब्दुल्ला साहब से कि वो इन दो जो माननीय मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब का एक सूक्ष्म परिचय वही दें तो ज्यादा अच्छा होगा, और मैं दूंगा तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं दिया चला रहा हूं सामने, और एक ऐसे व्यक्ति का परिचय मैं निवेदन आपसे करूंगा साथ अब्दुल्ला साहब। मुफ्ती मोहम्मद इलियास कासमी साहब से बहुत पुराना परिचय है हमारा, और आवाज आपकी आदरणीय कम आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ बहुत पुराना परिचय आपसे, मुफ्ती साहब से, और वो बाकी संबंध इसीलिए है कि भारत के बहुत कम बड़े मुफ्ती होंगे या बड़े आलिम हैं जिनसे मेरा संबंध नहीं रहा है, लेकिन कुछ पटरी नहीं बैठी कभी मेरी, बहुत सी चीज़ों को पर उनको आपत्तियां हो जाती हैं। ये अलग बात है कि उन आपत्तियों का कुरान के या जो स्क्रिप्चर हैं उनके हवाले से जवाब कभी नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा इतराज तो उनको ये था कि ये मैदान, ये फील्ड हमारी है, दूसरे क्यों बोलते हैं, आप क्यों इसके अंदर दखल देते हैं। मुफ्ती साहब जो हैं वो इससे बहुत दूर, खाने कमाने से बहुत दूर, ये बहुत से धार्मिक हो जाते हैं गुरु, तो फिर वो उसके अंदर उनकी अपनी मसलहतें होती हैं कि क्या कैसे लेकर चलें। अगर चीज़ों को शुद्ध रखें वो, तो फिर वो जायदादें नहीं बनती। आप अगर देखें, अगर आप
मैं दूसरे धर्मों के धर्म गुरुओं को नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ मुसलमानों के यहाँ की बात कर रहा हूँ कि जितने ये धर्मगुरु और जितने भी ये बड़े बड़े जो मदरसों के जिम्मेदार हैं, इनकी सब नहीं, अच्छे अच्छे लोग हैं बहुत, लेकिन इनकी बहुत बड़ी अक्सरियत जो है ये उनके पिता कोई मामूली कोई मजदूरी करता था, कोई मामूली सब अच्छा कोई अच्छे लोग थे या अगर उनके घर के हाथ, और अब सबके पास करोड़ों की जायदादें हैं और किसी गरीब को उनके यहाँ से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लेते हैं और गरीबों से भी लेते हैं। तो अब ये चीजें तो अगर बिल्कुल सही धर्म जाए तो बंद हो जाएंगी। मुफ्ती साहब जैसे संतों की तरह रहते हैं, तो ये इनकी खूबी है और साफ बात कहते हैं, वो चाहे मुसलमानों को बुरी लगे और चाहे किसी और को बुरी लगे। तो फिर ये के अभी आपको जब ये राम जन्मभूमि का और उसका बाबरी मस्जिद का जब विवाद बहुत ज्यादा चल रहा था, तब जमीयतुल उलमा के साथ में आपका साथ था, जमीयतुल उलमा के साथ थे मुफ्ती साहब। जमीयतुल उलमा ने ये चाहा कि एक अपना डेलीगेशन जो है वो अयोध्या भी भेजें, संतों से तरह बात करें, और वो फिर एक सामने से ऐसा होता ना कि इस तरह के मंच बनाए जाए जिसमें ये लगे कि ये बहुत प्रयास कर रहे हैं एकता का, तो फिर सब लोगों को एक मंच पर लाया जाए। तो वो इसमें मुफ्ती साहब भी साथ में थे, मुफ्ती साहब गए अयोध्या, वहां पर जो लोग बाइट्स ले रहे थे प्रेस के लोग, तो वहां मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई सब एक माता पिता की संतान है, यहाँ पर शंकर पार्वती जी ने कहते हैं उन्हें हम आदम हव्वा कहते हैं, ये भी हमारे सब यही हमारे पिता थे, हम सब उनकी संतान है, हम सब जो इतने हिंदुस्तान में रहते हैं सब हिंदू हैं। और उसके आगे भी फिर आपने जो और बहुत सी बातें जो कुछ कही तो हंगामा मच गया, पूरे देश के सारे चैनलों ने कवर किया। अब उसमें तब ऐसा हुआ कि जमीयतुल उलमा से फिर इनकी दूरी हो गई, वहां उन लोगों ने नहीं पसंद किया कि ऐसी बातें आपने कही। और वो जाहिर बात है कि अगर ये बातें वो मुसलमानों को बताते रहते तो मुसलमान को इतराज नहीं होता, लेकिन अब फिर मुसलमानों को बहुत आपत्ति होनी थी बहुत से, तो फिर उनको तब से आपकी जमीयतुल उलमा से भी दूरी हो गई। तो इतने साफ और खुले साफ साफ बात कहने वाले, स्पष्ट रूप से कहने वाले इंसान है मुफ्ती साहब, कि इन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि साथ में बहुत से आलिम हैं, वहां पर बाइट में हम ऐसी बातें नहीं कहें कि वो फिर जाकर कहां कहां पर उसकी चोट पड़ेगी, जो सही समझते हैं वो। और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है आज आपने मुफ्ती साहब को बुलाया, तो ये इसमें यह है कि मैं जो कुछ रखूंगा कुरान की आयतों का अनुवाद होगा, उस अनुवाद को कहीं भी चेक किया जा सकता है, लेकिन उसके जो अर्थ समझाऊंगा रखूंगा, जैसे कि नहीं अक्सर रखे जाते कभी कभी, तो उसमें ये मौजूद है, ये तो अरबी लिटरेचर साधारण नहीं, पढ़ाते रहे, उसके अध्यापक रहे हैं, तो मुफ्ती साहब मौजूद हैं, कहीं गलती हो तो मेरा हाथ पकड़ सकें, कह सकें कि इतनी बात आप गलत कह रहे हैं, और सही हो तो फिर पूछा जाए कि सही है कुछ नहीं है, अगर मैं जो कुछ मेरी प्रस्तुति है। तो आपका भी बहुत बहुत माननीय अरविंद तिवारी साहब धन्यवाद कि आपने मुफ्ती साहब को बुलाया, और बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके साथ में जुड़े। आवाज आपकी ऑडियो खोल लें जी, आप म्यूट पे हैं अरविंद जी। आदरणीय, मेरे को आप उस स्थिति में ला रहे हैं जहां मेरे शब्द बड़े छोटे पड़ जाएंगे, ये आपके कारण आए हैं, और ये आपकी बहुत खूबी है कि आप अपनी बातों को एक बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, आज जो हम लोगों ने शुरू किया था पिछले 3 एपिसोड के बाद से, कि हम लोग इस कार्यक्रम को तब तक प्रारंभ रखेंगे प्रतिदिन 1 घंटा 1.25 घंटा, क्योंकि वीरेश्वर उपाध्याय जी का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, और हमारा ग्रुप जो है जिसमें कि डिफाइंड वैल्यू कंसल्टेंट ने एक किताब लिखी है कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट, जिसको हम राष्ट्रधर्म कहते हैं, और उस राष्ट्रधर्म में जैसे हमारे वेद हैं, किसी ईश्वर की नाम नहीं, किसी भगवान का नाम नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के क्या उत्तरदायित्व है, क्या होना चाहिए धर्म के अनुरूप, वो धर्म हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है, वही धर्म इस्लाम को मानने वालों के लिए है, वही क्रिश्चियनिटी को मानने वालों के लिए, वही बौद्ध के लिए, मतलब सार्वभौमिक एक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहे कि अब वो समय आ गया है जो पूरे विश्व को एक ऐसी दिशा दे कि जहां सब एक हों,
और इसीलिए आपने इसकी सहमति दी थी कि हम अपने स्तर से इसको प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में जब हम करते हैं तो सफलता तो अवश्य मिलती है। लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा छोटा कदम चला है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं उतना कदम तो हमने पूरा कर लिया। तो हम उसी ऊर्जा से चलते हैं कि हम जितने कदमों को पूरा करेंगे उतने कदम तो पूरे होंगे। तो हम सबका मिला जुला जो सबका प्रयास होगा कि हम कुछ कदमों को चल करके उन कदमों को बड़ा करें। तो आदरणीय आपकी अनुमति से अगर आप कहें तो मैं प्रश्नों को साझा करना शुरू करूं। आप म्यूट पे हैं आदरणीय, आप भी। आपका धन्यवाद, आपका स्वागत और सभी श्रोताओं का भी स्वागत। मुझे इसका अवसर मिला के वो गलतफहमियां दूर हो जिससे हम साथ में हम ज्यादा मजबूती के साथ में चल सकें दिल मिलाकर। मेरे को गलतफहमियां नहीं लगती है, मुझे ये लगता है कि लोगों के दिमाग में अनावश्यक संशय है, उन संशयों को दूर करना आवश्यक है जो लोगों ने अपने अपने निहित स्वार्थों के कारण उत्पन्न किए हैं। आप सभी लोगों का श्रृंखला भारत विश्वगुरु स्वर्णिम युग में बहुत बहुत स्वागत। हमारा जो विषय है, विषय बड़ा स्पष्ट है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इन सारे के सारे बातों को एक एक करके प्रारंभ करेंगे, और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उस पे हम सीधे चलते हैं आदरणीय के पास। आदरणीय, स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, पहला प्रश्न है, इस्लाम के अनुसार जिहाद क्या है? क्या इस्लामी जिहाद ही ने आतंकवाद को जन्म नहीं दिया है? एक आपसे निवेदन है कि आतंकवाद और जिहाद से संबंधित जितने सवाल हो उन्हें अगर हम सबको पढ़ दें एक बार तो जो उत्तर होता है, असल में कभी कभी ऐसा होता है कि जब संबंधित होते हैं तो बीच के प्रश्नों का भी उत्तर उसमें आ रहा होता है, कुछ इसका बात को उत्तर में जा रहा होता है। तो इतने हिस्से का मैं एक साथ ले लूंगा इन प्रश्नों का, प्रश्न पढ़ दिए जाए हम फिर भी दोहरा देंगे खत्म होने के बाद कि देखिए कोई बचा तो नहीं इसमें। तो अगर हम प्रश्न संख्या जो आतंकवाद के ये 11 प्रश्नों तक लोगों को पढ़कर सुना दें या सामने रख दें। बिल्कुल 11, ये पहला प्रश्न है, इस्लाम के अनुसार जिहाद क्या है? क्या इस्लामी जिहादी ने आतंकवाद को जन्म नहीं दिया है? ऐसा क्यों है कि उसमें सभी मुख्य आतंकवादी संगठन इस्लामी और सभी जिहादी हैं? तीसरे प्रश्न पे हम आते हैं, आगे देखिए। मुझे लगता है एक मिनट मैं इसको पॉज करके फिर से शेयर करता हूँ। ये ज्यादा बेहतर होगा, हम अगली स्लाइड पे आते हैं। ये एक भीड़ का चित्र है जिसमें ओवैसी जी की मुरादाबाद की रैली का लिया गया, इसमें भी लोगों ने प्रश्न किए थे तो इसको भी लिया हम लोगों ने। और उसका तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, कुरान में अनेक स्थानों पर काफिरों अन्य धर्मों के अनुयायियों की हत्या का आदेश है, क्या कुरान ही आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने वाली पुस्तक तो नहीं? विश्व के 56 मुस्लिम बहुल देश में गैर मुस्लिमों पर अत्याचार क्यों होता है? ये दूसरी पोस्ट है। इस पोस्ट में सीमा यादव जी कहते हैं कि उत्तर अमेरिका में मुस्लिम अब इस्लाम को छोड़ रहे हैं और लोग, क्योंकि यही एक तरीका आतंकवाद से दूर रहने का, क्या यह सच है? अगला प्रश्न, विश्व स्तर पर ISI, अलकायदा, तालिबान और भारत में कश्मीर में आतंकवाद, क्या यही नहीं दर्शाता कि मुसलमान ही समस्त विश्व के लिए समस्या बने हुए हैं? भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल प्रदेश कश्मीर में ब्राह्मणों को बड़े स्तर पर हत्याएं हुई, मुसलमानों ने उन्हें कश्मीर से खदेड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया, फिर भी कभी किसी मुस्लिम संगठन ने विस्थापित ब्राह्मणों के पुनर्वास के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आप इस्लाम को शांति का धर्म कहते हैं, परंतु इस्लाम के मानने वालों का पूरा इतिहास युद्ध या मारकाट से भरा है, इस्लामी निम्न घटनाओं का क्या औचित्य है? भारत पर विदेशी मुसलमानों के आक्रमण, लूटमार और करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम,
लाखों मंदिरों का विध्वंस, विशाल स्तर पर जबरन धर्म परिवर्तन, जहां मुसलमान अत्यंत अल्पसंख्यक होते हैं शांति की बातें करते हैं, जहां 10% के करीब या इससे अधिक होते हैं इस्लामी स्टेट बनाने का षड्यंत्र रचते तथा आतंकी संगठन बनाते हैं, जहां उनकी संख्या 30% के करीब पहुंच जाती है, देश के बंटवारे की मांग करते हैं और जहां बहुमत में होते हैं गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, क्या यही इस्लामी कूटनीति नहीं है? आगे भी प्रश्न पढ़ लिए जाए आदरणीय? चारवां पढ़ लीजिए। ओके। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, परंतु क्या यह भी सच नहीं है कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है? इस्लाम के नाम पर अलग देश ले लेने के बाद भी मुसलमान भारत में समान अधिकार मांगते हैं, इतना ही नहीं विशेष अधिकारों की मांग भी करते हैं, ऐसी मानसिकता कहाँ तक उचित है? आदरणीय 11-12 प्रश्न ले लिए हैं, 11 तक का पुराने से संबंध है तो 11 तक पे चर्चा करते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन मैंने भी बनाया है, क्योंकि आपने आपको मैंने राइट दे रखे हैं, आप शेयर कर सकते हैं। जी जी ठीक है, आप बिल्कुल उनको शेयर करिए। इसे आप बंद करेंगे फिर? बिल्कुल, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, और ये बहुत जरूरी था कि हम चीजों को इतने स्पष्ट तरीके से लें और स्पष्ट ही बातें की जाएं। कभी कभी ऐसा समझा जाता है कि कुछ बहुत से सवाल मन में रह जाते हैं कि संवेदनशील हैं, तो फिर आपस में जो दिलों में बातें रह जाती हैं वो दिल से साथ हम चल सकें इसमें वो बाधा बनती है। इसमें क्योंकि मैंने ये जो बहुत से प्रश्न थे, इसमें ऐसा था कि कुछ एक ही चीज को जब मैं विषय को लेकर चलता हूं तो कुछ दूसरे प्रश्न की भी चीजें आती हैं, कुछ तीसरे की आती हैं, फिर पहले की आती हैं, तो उसको मैंने अपने हिसाब से समझाने के लिए बनाया, जिसमें इसका बहुत सा हिस्सा जो है वो आज है, फिर कल में जाके कवर होगा जितना समय आज मिलेगा। सबसे पहली चीज जो है वो ये क्वेश्चन है और ये सवाल है, ये प्रश्न के काफिर कौन है, और जाहिर है कि मुझे जो उत्तर देना है यहाँ पर वो इस्लामिक दृष्टिकोण रखना है। बहुत सी बातें मुसलमानों में मशहूर हैं और मुसलमानों ही की वजह से, उनको तो मैं आरोप नहीं लगाता, ब्लेम नहीं करता, इल्जाम नहीं देता जो गैर मुस्लिम है, इसलिए कि उन्होंने जो कुछ देखा मुसलमानों से देखा और जो कुछ सुना इस्लाम के विषय में मुसलमानों से सुना। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं कुरान के आधार के ऊपर और डिक्शनरी के और इस शब्द का अर्थ क्या है मैं काफिर को समझाना चाहूंगा, क्योंकि अब बात आ रही है आगे जिहाद की आ रही है, उसमें कहीं काफिर शब्द भी आएगा, काफिर से लड़ने की बात भी आएगी, और भी दूसरी जगहों पर कुरान में आता है, यह आता है कि काफिरों से दोस्ती मत करो, ये सवाल इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो काफिर कौन है? देखिए काफिर जो शब्द है ये करता है और इसकी क्रिया यानी सब्जेक्ट है, उसका जो वर्ब है वो है कुफ्र। तो कुफ्र शब्द के तीन अर्थ हैं, इसी काफिर शब्द के तीन अर्थ हुए ये डिक्शनरी के अंदर, और यहाँ पर मुफ्ती साहब बैठे हैं, अरबी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं अरबी भाषा के, जो चीज गलत हो तो जरा सा बीच में भी टोक सकते हैं, बात को तो कह ही सकते हैं। डिक्शनरी में पहले हम जाएंगे इसलिए कि सारी चीजें तो इससे ही चलती हैं कि उसके अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है। कुरान अरबी भाषा के अंदर आया तो अरबी भाषा के अंदर जो किसी शब्द के जो का जो अर्थ होगा वही अर्थ माना जाएगा। तो इसका पहला अर्थ है, तीन अर्थ है इसके, पहला अर्थ है इनकार करने वाला, नहीं मानने वाला, मना कर देने वाला, नकारने वाला, डिनायर, ये पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ काफिर का है अनग्रेटफुल, नाशुकरा, अकृतज्ञ, और तीसरा अर्थ काफिर का, इन तीनों अर्थों में कुरान में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, छिपाने वाला, वन हु कंसील्स, वन हु हाइड्स, हाइड्स द ट्रुथ, कंसील्स, कंसील्स द ट्रुथ, जो छुपाता है सत्य को। इसमें से एक एक को मैं सामने रखना चाहता हूं बारी बारी। यह है पहला है इसका डिनायर, वन हु डिनाइज, जो इनकार करता है, नहीं मानता, मना कर देता है। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है कि
इनकार करना या मना करना ये तब होता है जब कोई बात कही जाए। पहले कोई बात कही जाएगी उसके बाद उसका इनकार होगा, ऐसी इनकार नहीं हो सकता। मैंने कुछ कहा, कोई रिक्वेस्ट की कोई और उस पर कोई दरखास्त की और उसके बाद किसी दूसरे आदमी को यह अधिकार है दूसरे व्यक्ति को कि वो चाहे तो नहीं माने, वो मना कर दे, वो इनकार कर दे। मेरे सहयोगी है उनसे कहूँ कि कुछ पुस्तकें इधर उधर था आप उठाकर ला दीजिए, दूसरे कमरे में रखी हैं। दो तरीके मना करने के, एक तो ये कहते हैं मैं नहीं ला सकता, मना कर दिया उन्होंने। दूसरा तरीका ये कि सुनते रहे, नहीं हिलते अपनी जगह से, ये भी मना करने का तरीका होता है। उन्होंने जबान से नहीं कहा लेकिन समझ लिया था ठीक से कि क्या कहा जा रहा है और उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। ये दोनों चीज, दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि कोई जब कुछ कहता है उसका इनकार होता है, उससे पहले इनकार नहीं होता। मैंने कहा ही नहीं कि मुझे पुस्तकें उठा दिए, तो उसमें शिकायत करता हूं कि देखिए लाकर नहीं देते, मना कर रहे। मना कैसे कर देंगे जब तक कहा नहीं जाएगा। अब ये बात शब्द का तो इतना ही अर्थ है लेकिन जब कुरान में या इस्लाम की टर्मिनोलॉजी में आता है तो मतलब होता है इस्लाम का इनकार करने वाला, इस्लाम को मना करने वाला। और इस्लाम शब्द का अगर अर्थ है शांति, अभी मान लें ऐसे, अभी हम आगे चलेंगे, खाली सपोज कर लें, या कम से कम मुसलमानों का दावा है, तो शांति का इनकार करने वाला, सच्चाई का इनकार करने वाला, सत्य का इनकार करने वाला। मैं ये इनकार तब होगा जब मैं उसको ठीक से समझा दूं कि ये जो कुछ है ये शांति की बातें हैं और ये सच की ही बातें हैं। ये दावा नहीं चलेगा, दावा तो हर एक अपने कर सकता है। एक लाख लोग, एक करोड़ लोग, एक अरब लोग, इससे ज्यादा लोग दावा करते रहे कि शांति का है, नहीं मानती बाकी दुनिया, तो दावा नहीं चलेगा। उसको सिद्ध करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि ये ऐसा है और फिर ऐसे प्रमाणित करना होगा कि दूसरे की समझ में आ जाए। उसके मानसिक स्तर के ऊपर, किसी का कम होता है, कोई अच्छा इंटेलिजेंट होता है, छोटी ऐसी हल्की फुल्की बातें जो है वो उसकी समझ में नहीं आती कि बचकाने लगती है, तो जो सामने है उसके मानसिक स्तर के ऊपर जाकर उसको समझा दे ऐसे कि उसके ठीक से आ जाए समझ में, फिर मना करता है कि मैं तो नहीं मानूंगा। तब कह सकते हैं इसने मना किया या इसने इनकार किया। उससे पहले अधिकार नहीं है किसी को कहने का। मैं अभी तो यहाँ अधिकार की बात कर रहा हूं कि जब तक इसको सिर्फ इतना ही नहीं कि बताया नहीं, बल्कि ऐसे नहीं बताया, कर्मों से भी और जबान से भी, दोनों से, जब तक ऐसे नहीं बताया कि दूसरों को विश्वास हो जाए कि ये बात सही कह रहे हैं, उस वक्त तक किसी के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, ये कहने का अधिकार नहीं कि ये नहीं मान रहे हैं, ये मना कर रहे। तो ये तो पहले शब्द, पहला अर्थ है उसका। इसमें मैं फिर बात को दोबारा आऊंगा। देखिए कुरान ये कहता है, ये कुरान की आयत है कि ला इकराह फिद्दीन का तबयन रुजू मिनल गैब व मयकुर बितागूत व युम बिललाह फकद इस्तमतक बिरुदिल वस्ता लनफताम ला। धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है, जितनी सत है वो असत से अलग अलग स्पष्ट कर दिया गया है। अब जो कोई, देखिए ये शब्द जो है काफिर, जो कोई काफिर बना शैतान का और ईश्वर में आस्था रखी, भाषा का शब्द है कि इनकार करने वाला, तो हमें शैतान का काफिर बनना चाहिए। जिसने, जो शैतान का काफिर बना और ईश्वर का आस्तिक बना, उसने एक बड़ा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी नहीं टूटेगा। तो खालिक शब्द बुरा नहीं है कोई। किस चीज का इनकार किया, सत का इनकार किया या असत का इनकार किया? असत का इनकार करना है तो आस्तिक है, सत का इनकार करेगा तो नास्तिक है, या उसे हम कह सकते हैं उन शब्द, उन अर्थों में काफिर जैसा मशहूर हो गया है। तो असल, तो इसलिए खाली शब्द में कोई बुराई नहीं है किसी तरह की। ये इसको आस्तिकों को, या यूं मान ले कुरान के मानने वालों को भी काफिर कहा गया है, तो वो शैतान के काफिर है कि शैतान की बातें मना करते हैं। अच्छा देखिए, फिर ये एक मैंने ऋग्वेद का यहाँ पर उदाहरण जो है वो दिया, देना चाह है। दृष्टवा रूपे व्या करो तस्त्या नृत्य प्रजापति अशिद्धा मन ऋतो अदाच्छादम सत्य प्रजापति। के परमेश्वर ने सत और मिथ्या को, इन इसको मिथ्या रूप में जो ज्ञान को अलग अलग कर दिया कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, ये वही बात है जो ऊपर कही गई थी कुरान की आयत के अंदर। और ये आदेश दिया कि मिथ्या को नकार दो, मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया सामने, मिथ्या को नकार दो। इसे हम इस्लामी भाषा में कहते हैं कि मिथ्या के काफिर बन जाओ, जैसे उसमें पूछे कहा गया था, और सत्य में आस्था लाओ।
तो शब्द अपने आप में बुरा नहीं है, असल बात यह कि मिथ्या को नकारना ही है, लेकिन अगर उसको कोई चीज सच रखे और वो ऐसे रखे कि प्रमाणित हो जाए कि सच है, फिर कोई मना करता है तब किसी को कुछ कहने का अधिकार बनता है, उससे पहले कोई अधिकार नहीं है। अभी न तो साबित किया है, प्रमाणित किया गया है, मुसलमानों ने नहीं किया और अपने अमल से भी नहीं किया, आचरण से भी नहीं किया, शब्दों से भी नहीं किया, आचरण से भी नहीं किया, तो किसी को काफिर शब्द प्रयोग करने का अधिकार ऐसे नहीं बनता। मुफ्ती साहब फतवा देते हैं, अब मुफ्ती साहब को होगा अधिकार, मुफ्ती साहब बताएंगे बात को, लेकिन मैं मुफ्ती साहब से बात को इसका उत्तर ले लूंगा कि क्या किसी को अधिकार बनता है या नहीं बनता कि वे आप से सवाल लोग पूछते हैं आप जवाब देते हैं, लेकिन किसी को काफिर कैसे कह सकते हैं जब तक हमने साबित नहीं किया कि ये शांति है। ये दूसरा है अकृतज्ञ, नाशुक्रा, नाशुक्री करने वाला, अनग्रेटफुल। शुक्रिया अदा किया जाता है किसी अच्छी चीज का, कोई नेमत मिली, कोई उपहार दिया, कोई अच्छी बात कही, अब उसका धन्यवाद कर। मैं कोई गिफ्ट दूं, कोई उपहार दूं किसी को ले जाकर, उसका शुक्रिया खाली भाषण जबान से नहीं होता, वो ऐसे भी होता है कि उसका सही प्रयोग करें, जिस जगह प्रयोग करना है उसे उस जगह प्रयोग करें, अगर दुरुपयोग करेंगे तो वो उसका शुक्रिया नहीं होगा, नाशुक्री होगी, अनग्रेटफुलनेस होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये एक फ्लावर वेस है, एक ये इसके अंदर फूल वूल लगाकर इसका शुक्रिया ये है कि इसके अंदर फूल लगाए जाए, और फूल लगाने के बाद फिर इसे अपने हम लिविंग रूम ड्राइंग रूम में सजा लें। इसे किसी ने अगर मुझे ये प्रेजेंट किया, कभी मेरे घर आएगा तो उसे खुशी होगी देखकर, कहा कुछ नहीं जाएगा, इसमें बड़ा उसे अच्छा लगेगा कि ये मैंने दिया था, इन्होंने इसकी बहुत कदर की, बहुत इसको इसको अच्छा समझा और इसे अपने घर के अंदर ऐसे लगाकर फूल लगाकर रखा। अच्छा, प्रयोग तरह तरह से हो सकते हैं, वही कभी मेरे घर आए और देखे कि ये ऐसे प्रयोग हो रहा है इसका, कर सकते हैं ना, पानी भर के और हम ले गए ये टॉयलेट के अंदर तो बजाए फूल रखे, तो जिस काम के लिए जिस चीज उसका जो सदुपयोग था वो ये इसका सदुपयोग नहीं, हालांकि उपयोग हो रहा है और मैं उसको ऐसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर कभी मेरे घर में आए और इसको ऐसे देखे वो जो उसने गिफ्ट किया था, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं देगा। जो इसे कहते हैं नाशुक्री, अकृतज्ञ होना, कि कोई नेमत है, कोई अच्छी चीज मिली है, उसका दुरुपयोग, सदुपयोग नहीं। तो अब मुसलमानों का, अभी मैं दावे की बात कर रहा हूं, मुसलमानों का दावा है कि उनके पास कुरान बहुत बड़ी नेमत है, उसके अंदर मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है, बहुत अच्छी चीज है, होगी, ये तो दावा है मुसलमानों का। अगर है और तुम्हें ये उपहार मिला है, उसका सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो? अगर सदुपयोग किया तब तो ठीक है, अगर दुरुपयोग कर रहे हो तो नाशुक्र हैं, तो अकृतज्ञ हैं, वो तो आचरण से मालूम होता है कि दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। तो फिर अगर दुरुपयोग हो रहा है तो दुरुपयोग करने वाले को नाशुक्रा कहते हैं, अकृतज्ञ कहते हैं और उसे काफिर कहते हैं। तो फिर जिसके पास नेमत आएगी, दुरुपयोग तो वही करेगा, सदुपयोग दुरुपयोग दूसरे कैसे करेंगे? तो अगर ये इनका दावा है कि हमारे पास इतनी बड़ी नेमत है, तो फिर उसका दुरुपयोग अगर बड़े स्तर के ऊपर जितने लोग कर रहे हैं, तो कुरान की भाषा के हिसाब से काफिर तो वो होंगे जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये काफिर कोई दूसरा कैसे होगा जिसको जिसके पास वो चीज नहीं गई है, ये उसे मालूम भी नहीं है। ये अकृतज्ञ होंगे, ये काफिर होंगे, ये काफिरों की बड़ी संख्या जो है, वो जो मुसलमान जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सब काफिर कहलाएंगे कुरान की भाषा। तीसरा था, ये तो काफिर हो जाएंगे सारे लोग। अभी काफिर दूसरों को कहते हैं, दूसरों के कहने वाले खुद अगर गौर करें तो काफिर है बहुत बड़ी संख्या में। तीसरा था इसका अर्थ छिपाने वाला, वन हू कंसील्स, वन हू हाइड्स, क्या छुपाना, मतलब हाइड द ट्रुथ, सच्चाई को, सत्य को छिपाने वाला। वो सारे लोग जिन्होंने कभी वेद आया, ईश्वर की वाणी थी, ईश्वर की वाणी किसी समुदाय विशेष की बपौती नहीं होती, ईश्वर की वाणी, मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर ब्राह्मण मौजूद है सबसे बड़े, तो हमारे बड़े भाई साहब जो है वो वीरेश्वर भाई साहब हैं, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर उसे ब्राह्मणों ने अपनी भगवती बनाया तो फिर वो काफिर थे और लोगों तक अगर नहीं जाने दिया, अगर पादरियों ने सच नहीं जाने दिया, आज की पर उसके अंदर मैं बात करता हूँ चुप हो जाते हैं, हमारे साथ में है ना, तो जो सत वहां पर है बहुत सा सत निकल कर नहीं आने दिया और उसको उन्होंने कुछ अलग अंदाज में पहुंचाया जो सत नहीं है, तो फिर जो कुछ वो छुपाते रहे तो वो सचमुच काफिर थे। यहाँ पर अगर कुरान शरीफ में वो चीजें हैं कि जो सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए, इसलिए कि अगर ईश्वर वाणी का दावा है तो ईश्वर वाणी सारी मानवताओं के लिए होती है, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं होती,
वेद सबके लिए होंगे। और अगर कुरान खुदा का कलाम है, मैं फिर अजयदी के साथ कह रहा हूँ, अगर अगर ईश्वर की वाणी है तो सारे सारे ब्रह्मांड के लिए होगी, वो कोई मुसलमानों की जागीर थोड़ी बनेगी या मुसलमानों के आलिमों की भी जागीर नहीं बनेगी। तो अब अगर उन्होंने उसमें से वो चीजें जो दूसरों को बतानी थी अगर सामने नहीं लाए, और उसकी वजह से बहुत सी चीजें तो बदल गई। कितनी अब हलाले के ऊपर कहा जा रहा है, तीन तलाकों पे कहा जा रहा है, बड़े अच्छे अच्छे कानून कुछ बने हैं और उसकी मुखालफत हो रही है, निकल कर कर रहे हैं। कुरान कह रहा है कि वलिल मुतल्लकात, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मुफ्ती साहब को जाहिर की याद है और तर्जुमा भी जानते हैं, वलिल मुतल्लकात मताउन बिल मारूफ हक्कन अल मुत्तकीन, ये जिनको तलाक हो जाए जिन और वो विधवा हो जाए तो उनको मेंटेनेंस दी जाएगी, ये राइट है उनका, ये अधिकार है और ये फर्ज है, ये लाजिम है, ये अनिवार्य है, कुरान तो ये कह रहा है हक्कन अल मुत्तकीन। और उसके बाद फिर पूरा पूरे भारत को हम खड़ा कर दें शाबानों के मामले में और ये कहें कि नहीं उसको कुछ नहीं दिया जाएगा उसको, और इस्लाम मना कर रहा है, तो इस्लाम तो साफ कुरान की आयत कह रही है। तो फिर अगर ऐसे छुपाया गया है और लोगों को खड़ा कर दिया गया है तो ये तो कुछ हुआ ना, काफिर कौन होगा? जो जो चीजें छुपाई गई थी छुपाने वाले, फिर चाहे वो बड़े आलिम हो और चाहे वो अवाम हो, जो जिसने पढ़ा है जो जानता है वो अगर छुपा लेता है कुछ की कुछ बताता है तो वो काफिर होता है। अब मार्गदर्शन चाहते हैं लोग, अब ये मिसलीड कर रहे हैं, ये तीन जो मिसलीड कर रहे हैं इन तीन में से कम दो काफिर हैं, हो सकता है तीनों काफिर हो, गलत रास्ता तीनों बता रहे हैं, हो सकता है कि कम ये दो गलत रास्ता बता रहे हैं। तो अब अगर कोई ज्ञान की चीज है और रास्ते गलत बताए जा रहे हैं, मार्गदर्शन गलत हो रहा है, तो मार्गदर्शन करने वाले काफिर, तो और अगर जो लोग जानते पूछते गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं वो भी काफिर। अब ये तीन अर्थ मैंने रखे आपके सामने, दो तो ये है कि जिसकी जद जिसकी मार सीधी की सीधी लौटकर उन लोगों को जाती है जो दूसरों को काफिर कहते हैं, नाशुकरी करना, अकृतज्ञ होना और छिपाने वाले, ज्ञान छुपाया गया तो इसकी तो सीधी सीधी जद इन पर पड़ती है जो दूसरों को काफिर कहते हैं। एक अर्थ के हिसाब से नहीं माना किसी ने, इनकार किया, अगर कोई नहीं मानता है तो ये बातें तो है बात की, लेकिन पहली चीज जो है वो ये है, सबसे पहली के क्या बताया था, तो अगर नहीं बताया था और ऐसे नहीं बताया था कि विश्वास हो जाए और प्रमाणित हो जाए तो फिर किसी को कहने का अधिकार नहीं है किसी को काफिर। तो दो तो अर्थ सीधे इनके अपने ऊपर जाते हैं जो दूसरों को काफिर कहते हैं, और तीसरे अर्थ के हिसाब से कहने का अधिकार नहीं। तो ये मैंने काफिर के बारे में कुछ व्याख्या जो थी वो जरूरी थी, मैं करना चाहता था ताकि अब हम आगे बढ़ सकें जिहाद के विषय के ऊपर। और फिर एक आयत कुरान की और मैं रख दूं यहाँ पर ये कुरान के अध्याय नंबर 5 में, सूरह नंबर 5 में और आयत नंबर 44 वमल्लम याकुम बिमानल्लाह फौलाइका हुमुल काफिरून। काफिर कौन है? शब्द काफिर आया है इसके अंदर के वो जो ईश्वर ने अवतरित किया है, वो जो ईश्वर जो ईश्वरीय ग्रंथों के माध्यम से आया है, जो ईश्वर ने अवतरित किया है के जो लोग उसके अनुसार जो उसको फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाए, आखिरी फैसला उससे नहीं कराए, उसके अनुसार नहीं चले, वही तो लोग काफिर हैं। अब जितने लोग कुरान के हिसाब से नहीं चल रहे जो मुसलमान वो काफिर हैं, जितने वो लोग जो चाहे जितना बड़ा दावा करते हो, अपने आप को हिंदू समुदाय का कहते हो, सनातन धर्मी कहते हो, वैदिक धर्मी कहते हो, चाहे जो नाम रख लिया, लेकिन अगर वो वेद के फैसलों के निर्णय के विपरीत जा रहे हैं कुछ और जगहों से अपने अपने कुछ धर्म गुरुओं की बातों के ऊपर, तो फिर वो भी काफिर होंगे। ऐसे ही जहां जहां जैसे जो भी ईश्वरीय ग्रंथ सचमुच के पास से आए, जो उसके उसको आखिरी अथॉरिटी नहीं बनाते कि अपने इख्तलाफात जो हैं हमारे जो आपस में जो कहीं पर अगर मतभेद हो तो उसका फैसला आखिरी इससे कराएं, इसे कहा था ना इसने कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, तो फिर ये माना यह गया था कि जो वेद सम्मत होगी वो ली जाएगी, जो वेद विपरीत वेद विरोधी होगी नहीं ली जाएगी। अब हर एक अपने अपने गुरुओं के मत पे चल रहा है, बहुत से लोग चल रहे हैं यहाँ पे भी हर धर्म के अंदर, और वो उनकी बातें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे वो अभी आपने देखा था कि ये आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से, तो फिर ये सब तो एक साथ सत नहीं हो सकते। जब सत एक साथ नहीं हो सकते तो हमारे हमें कोई तो फैसला करेगा ना, आखिरी जो आखिरी फैसला है तो फिर वो ईश्वर की वाणी करेगी, तो और जो जो ऐसा ना करे वो कुरान कहता है कि वो काफिर है। तो ये इतनी बातें तो जो थी वो इसके बारे में थी कि काफिर हैं कौन, लेकिन साथ में मैं इतने से हिस्से को और लिए चलता हूँ, बहुत जल्दी में लेकर चलूंगा, इसलिए कि ये भी प्रश्न आता है कि कुरान ये कहता है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती मत करना, कहाँ है? एक दो आयतों के अंदर है। एक उसूल समझ लें, सिद्धांत ये हमारा जब तक आपके सवाल है प्रश्न है ये उन सब में चलेगा,
और ये पूरी पूरे विश्व के अंदर इस पर सर्वसम्मति है, हर एक आपको यही बताएगा, इससे अलग नहीं बताएगा कि कुरान से जब हम गाइडेंस लेते हैं, मार्गदर्शन कुरान करता है, तो कुरान में अलग अलग एक विषय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कही, कहीं कोई बात संक्षेप में कही है, कहीं उसी को ज्यादा विस्तार से कही है, और कहीं बहुत उसको संक्षेप में कह दिया गया है। तो इसलिए उस विषय से संबंधित जितने भी बयान या व्याख्यान होते हैं उनको हम इकट्ठा कर अर्थ समझते हैं। तो अब अगर किसी जगह ये कहा कि तुम गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं करना, तो कुरान ने ज्यादा तफसील से इसको बताया कि किन से, ये सब गैर मुस्लिमों से नहीं। कुरान की सूरह नंबर 60 है, 60, और ये आयत नंबर जो है वो 8 और 9, ये दो आयतें में रख रहा हूँ सामने, कि ये कहा कि ईश्वर तुम्हें इससे नहीं रोकता, ला यनहाकुमुल्लाह अनिल लदीना, कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया। इस बात से नहीं, जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले युद्ध नहीं किया, ईश्वर नहीं रोक रहा कि उनके साथ न्याय करो, अच्छा व्यवहार करो। अच्छा, धर्म के मामले में युद्ध क्या है? अगर मुझे नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो ये मुझे धर्म से रोका गया, धर्म के, और इसकी वजह से युद्ध भी हो गया। और एक होता है कि फाइनेंशियल होता है, दो अलग अलग समुदाय होते हैं, एक मुसलमान कहलाता है, एक हिंदू कहलाता है, एक ईसाई कहलाता है, इनमें तरह तरह के क्लैशेस होते हैं, वो धर्म की वजह से नहीं होते। तो लेकिन अगर धर्म की वजह से हो रहा है, अगर कहीं युद्ध हो गया, जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध किया नहीं किया, उनसे तुमसे दोस्ती करने, उनसे तुमसे न्याय करने और अच्छा व्यवहार करने से नहीं रोक रहा, और ना तुम्हारे, और जिन्होंने तुम्हें घरों से नहीं निकाला, निस्संदेह ईश्वर न्याय करने वालों को पसंद करता है। अभी दोस्ती का शब्द नहीं आया था, अभी अच्छा व्यवहार और न्याय की बात आई थी, ये इससे अगली आई, सूरह नंबर 60 और आयत नंबर 9। ईश्वर तो अब इसमें दोस्ती का शब्द है, ईश्वर तुम्हें सिर्फ उन लोगों से मित्रता करने से रोकता है जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने के संबंध में सहायता की। तो जो लोग उनसे मित्रता करें वही जालिम है, वो अत्याचारी है। तो ये गाइडिंग लाइन है, इससे इसके अंडर में, इसके तहत, इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, जहां पर खाली शॉर्ट में कोई चीज कह दी गई, ये दुनिया में कोई भी इसे नकार नहीं सकता, इस बात को वो कुरान के जो जानकार है, जानने वाले। अब कोई खाली उतनी सी बात रखकर अगर सामने लाता है तो मैं उसे बताऊं ना कि देखिए इसकी तफसील यहाँ पर है कि किन से मना कर रहा है, किन से दोस्ती करने को कह रहा है। तो हमारे मित्र हैं, मैं खाली सिर्फ इस जवाब देने में मैं एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत में घटना जो है मेरे फैमिली की मैं सुनाता हूँ। मेरे फादर फरीदाबाद में रहते थे, वाले साहब हमारे जो है फरीदाबाद में रहते थे, बड़े धार्मिक आदमी, और मैं तो यूं कह लूं कि बड़े कट्टर धर्म पर आचरण करने वाले थे। 1947 में मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं 1953 में पैदा हुआ, 1953 में, 1947 में, 1947 में ये, बाकी तो और लोग कोई पाकिस्तान चले गए होंगे, वो नहीं गए थे, वो और उनके भाई, खबर आई, जानकार थे, जानने वाले लोग थे, खबर आई कि बलवाई आ रहे हैं, हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें ये था कि वो तो दरवाजा बंद किया, ज्यादा देर नहीं रुकता, दीवार से कूद कर, कोई चीज साथ में भी नहीं ले सके किसी तरह की, दीवार से कूद कर जाने बचाकर भागे। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत साल हो गए उनको भटकते हुए या अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए करते रहे। हम उसमें छोटे हुए बड़े हुए, हम बचपन में दिल्ली में रहते थे, वहां से 40 किलोमीटर फरीदाबाद था। मेरे फादर कभी, मेरे वाले साहब मुझे 40 साल में कभी उस जगह लेकर नहीं गए कि देखो ये हमारी जमीन भी छिन गई, मेरे दिल में घृणा आ जाएगी, इसलिए लेकर नहीं गए मुझे कभी वहां दिखाने के लिए कि सिर्फ इतना बता दे कि ये सब हमारे घर थे, ये हमारी जमीन थी, यहाँ पर उन्होंने कभी नहीं लेके गए, मुझे अपने चचा के और उनके भाइयों से मालूम हुआ। और ये चीज जो है, फिर उन्होंने हमें बचपन से ये सिखाया कि वहां जब हमारे कोई फ्रिज नहीं हुआ करते थे उस जमाने में, ठंडा पानी बनाकर रख लेते थे उनके अंदर, बर्तनों के अंदर, हम बच्चे छोटे छोटे, हमारी कॉलोनी में दिल्ली में सब हिंदू ईसाई भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, हम लोग साथ खेलते थे, आए पानी पी के वो फेंकने लगे तो कहा नहीं नहीं फेंकना नहीं, वो मुझे देते थे कि बेटे तुम पियो। तो हमें तो बचपन से उन्होंने ऐसे उठाया। बात ये कि घृणा, ये चीज यानी भाई होने चाहिए, घृणा की स्प्रिट खत्म होना चाहिए। कुछ बुरा भी उनके साथ हुआ तो कुछ बुरे लोगों ने किया, उसके लिए मैं सारी कम्युनिटी को बुरा समझूं? तो ये तो अपने सोचने की बात है, लेकिन बात ये कि मैंने एक पर्सनल एक बताया, आपको एक घटना बताई अपने जीवन की, लेकिन ये जो कुरान कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो हमारे दोस्त थे। मेरे कॉलेज में जो दोस्त हैं, आज की पोजीशन ये है कि वो कितने साल हो गए हमें कॉलेज से निकले हुए, 40 साल से ज्यादा हो गए,
मैं आज जब जाता हूँ वहाँ अलीगढ़ और अपने मित्र के घर अगर चला जाऊँ तो उसके जो बुजुर्ग हैं उनके जो बड़े हैं जो उनमें से अब जिंदा है माता पिता वो कहती है बेटा कपड़े निकाल दे अपने पहले कपड़े धुलवा ले। तो इस कहीं मिलते हैं तो ऐसे लिपटते हैं कि छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो ये प्रेम आज तक बाकी है। ये मेरे दोस्त हैं, इन दोस्तों से इस दोस्ती से कुरान रोकता होता तो मैं दोस्ती नहीं रखता, बस हलो हाय करता ये करता कि भाई ठीक है कुछ बुरा नहीं करेंगे इनके साथ में। लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी है कि जरा सा कोई बात मेरे बारे में सुने तकलीफ में तो वाकई बेचैन हो जाते हैं। मुझे तकलीफ होती है इसलिए कि मुझे कुरान ने इजाजत नहीं दी, इजाजत दी इस बात की, ये मना नहीं किया है। अब इसी को बताया जाए कुरान रोकता है तो एक कम्युनिटी पूरी अलग होगी, अलग अलग घेटों बनाकर रहेंगे। तो मैं इतनी बातें मैंने इसके बारे में रखी थी। अब मैं जिहाद के ऊपर आता हूँ चूंकि काफिर की बातें बारे में बताना जरूरी था पहले। ये एक दूसरा प्रेजेंटेशन है जो मैं ला रहा हूँ। जब तक सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, जितने भी हमारे संग जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से निवेदन है कि किसी भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो स्वयं को सुनने में स्वयं से बोलने में अच्छी ना लगे। कहे कि हमारा धर्म हमारी संस्कृति बड़ी स्पष्ट है कि आप वो बात किसी से भी ना बोलें जो आपको स्वयं के लिए पसंद नहीं है। और मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि चैट में सभी लोग देख सकते हैं और मेरे को व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति को रोकना पड़ेगा। तो निवेदन है कि हम यहाँ पे एक सार्थक चर्चा करें इस्लाम को लेकर के। जितने भी प्रश्न हैं वो आप सारे प्रश्न करें, लेकिन एक मर्यादित और सभ्य भाषा में, क्योंकि जब हम मर्यादित होंगे और सभ्यता में होंगे तभी हम एक सार्थक प्रयास की तरफ बढ़ पाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, यह कोई टीवी चैनल पे डिबेट नहीं चल रहा है कि हमें किसी को नीचा दिखाना है। हम यहाँ पे एक सार्थक प्रयास के लिए जुड़े हुए हैं जो टीवी के न्यूज चैनल के डिबेट से कई गुना आप उसका कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कितने ऊपर की बात कर रहे हैं। ये टीवी चैनल वाले समझ रहे होते तो इस तरीके की बातें इस समाज में नहीं हो रही होती। तो हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं हम उस उद्देश्य को यहाँ पे पूर्ण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हमारा लक्ष्य बातों को सुनना और इस चीज को आगे बढ़ाना। कारण मैं आपको बता दूं, इस चीज की प्रेरणा मुझे किसी और ने नहीं दी, आदरणीय युग मनीषी वीरेश्वर उपाध्याय जी ने स्वयं दी। और वो ऐसे दृष्ट युग वेता हैं कि जो इस चीज को बहुत आगे तक समझ करके बोल रहे हैं। उन्हीं के कहे अनुसार जो उनसे चर्चा हुई थी उन्होंने ये कहा कि अब प्रज्ञा अवतार भूमि पे आ चुके हैं, वो एक सार्थक शरीर को ढूंढ रहे हैं, शरीर को नहीं शरीरों को ढूंढ रहे हैं, कई प्रज्ञा अवतार होने हैं। और हम लोगों के भी समूह का यही मानना है। ऐसी स्थिति में हम लोग एक सार्थक दिशा की तरफ बढ़े और मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि ऐसे सार्थक प्रयास पे हम लोग सहयोग करें तो अच्छा होगा। इसलिए ऐसी किसी भी भाषा में चैट ना डालें जो हमारे स्वयं के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद आदरणीय सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, आप अपनी बात आगे रखें। जी, क्योंकि उसके अंदर सवालों के अंदर काफिर का भी नाम आया था तो इसलिए मैंने पहले उसे लिया और फिर जिहाद के आयतों के अंदर भी कहीं आ जाता है तो हम उसे। आपकी आवाज थोड़ी सी अभी कम हो गई आदरणीय, थोड़ा सा आगे। अब उन प्रश्नों के अंदर जो कि काफिर का क्या नाम भी आया था तो मैंने उसे पहले लिया और जिहाद के लिए के मैं कुरान शरीफ जो कुछ कहता है वहां भी कहीं कहीं काफिर मुशरिक शब्द आएगा तो काफिर हमारी समझ में आना चाहिए क्या है। मैं वहां पर अर्थ में मैं ये लिखूंगा कि नहीं मानने वाला या नकारने वाला ताकि क्लियर हो सके कि क्या नहीं मानने वाला। अब जिहाद के विषय में पहले तो हम शाब्दिक अर्थ को ले, जैसे काफिर कह लिया था कि जिहाद शब्द का अर्थ क्या है। जिहाद लड़ाई को नहीं कहते, न मारने को कहते हैं। इसके लिए किताल वर्ड आता है मारने के लिए या कत्ल करने के लिए किताल आता है कुरान शरीफ के अंदर। जिहाद शब्द का अर्थ मैं तो सिद्ध करूंगा, खाली ऐसी जबानी नहीं बता रहा। देखिए ये islamawaken.com आप में से कोई भी ये खाली इतना से ये नाम नोट कर लीजिए और .com पे ये खुल जाएगी वेबसाइट। इसके अंदर क्या है कि कोई भी आयत उसमें दिया होगा इंडेक्स उससे आप निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही तो
देखकर जो एक में छठी नहीं थी, ये एक आयत जिसके अंदर जिहाद आ रहा है, ये सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 118, इसे मैंने लिया। तो अब इस आयत के ऊपर ये देखिए, ये इस आयत के ऊपर ये इसके अंदर ये जिहाद शब्द यहाँ आया वह जाहिदू, और इसका ये नीचे है जहदा, ये अरबी में लिखा हुआ, ये इसकी मूल धातु है। जैसे संस्कृत में मूल धातु होती है, ये कुछ विशेषताएं कुछ गुण कुछ भाषाओं की मिलती है, जिनके बारे में जितनी भी भाषाएं ऐसी हैं जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि उसमें ईश्वरीय वाणी आई, उन सब की कुछ चीजें जो है वो दूसरी भाषाओं से अलग है और आपस में समान है। जैसे एक वचन बहुवचन इंग्लिश में होता है, संस्कृत में एक वचन दो वचन और बहुवचन होता है, ऐसे ही अरबी में होता है कि एक वचन दो वचन बहुवचन, ऐसे ही पर्शियन फारसी के अंदर होता है जिनमें दोरोस्ट्रियन धर्म की अवस्था वगैरह आई, ऐसे ही इब्री में होता है, इब्रानी भाषा के अंदर एक वचन दो वचन और बहुवचन। अब बाकी सारी भाषाओं के अंदर एक वचन के बाद दो से ही दो वचन शुरू हो जाता है द्विवचन। तो खैर इसमें जाहिदू शब्द है ये, इसमें और इन सब भाषाओं के अंदर एक मूल धातु होती है, अरबी में उसे मस्दर अरबी के ये जो है ये जहादा, तो ये उसका। अब इसके अंदर जब यहाँ पर हम जब आप लोग खोलें, कोई अगर देखना चाहे तब, तो इसका जो ये इसमें जब नीचे आप क्लिक करेंगे तो इस पे डिक्शनरी आएगी और उसमें वहां पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये शब्द अंग्रेजी के अंदर ये जगह पे लिखा हुआ है, उसे मैंने बड़ा कर दिया है, वजाहदू इसका अर्थ है, और जिन्होंने जिहाद किया ये इसका अर्थ है। अब फिर ये ऊपर और ग्रीन रंग से जो लिखा हुआ है उसके मीनिंग लिखे हुए वजाहदू के, पहले तो ये ट्रांसलिटरेशन, वो जैसे हमारे यहाँ बहुत से युवा भी हैं ये आजकल उसे हिंग्लिश कहते हैं, तो ट्रांसलिटरेशन तो वजाहदू तो वैसे लिखा हुआ है, और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है एन स्ट्रोव, स्ट्रोव का मतलब जिन्होंने अंथक प्रयास किया, ये है ये जिहाद का अर्थ है। अच्छा इसको और कुरान शरीफ में चूंकि 41 जगह आया इसका ये शब्द, इस मादे का, इसे मादा कहते हैं वहां वही मूल धातु को, इस मादे से जितने भी शब्द बने, जिहाद है, मुजाहिदीन है ये और जहादा है, तो ये जितने भी शब्द बने वो 41 जगह आए हैं, उन सारे 41 जगहों के ऊपर ये इसका ये अब आप जब हम उसे क्लिक करेंगे इसी वेबसाइट में, जीम हादा ये इसका जो मादा है यानी मूल धातु है, उसके ये इतने अर्थ लिखे हुए हैं, टू स्ट्राइव और लेबर और टॉयल, एग्जर्ट वन सेल्फ और हिज पावर और एफर्ट्स, एम्प्लॉय वन सेल्फ विगरसली और। तो अब ये वहां से आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा इस स्लाइड में, तो इसको मैंने बड़ा कर दिया है। ये यहाँ पर इसमें बीच में एक जगह आ रहा है बहुत से मीनिंग के अंदर, ये 15-20 मीनिंग इसके जितने हैं वो सब असल में शब्द बदले में एक ही मीनिंग है, लेकिन एक जगह है इसके अंदर ये के कहीं इसके माने में भी यूज हुआ है फाइट लड़ने के मीनिंग के अंदर, ये एक जगह है, बाकी सबके मीनिंग एक है, ये 12-14 जितने हैं। कैसे यूज हुआ है ये मैं फिर बात को बताऊंगा कि क्यों, वरना ये इसके लड़ना लड़ाई इसके मूल असल मीनिंग नहीं है। इसी को जब हम इस वेबसाइट में और हम आगे जाएंगे तो इसमें हमें नीचे स्क्रोल करेंगे तो ये अरबी में लिखा हुआ है मुजाहिदीन, और ये लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है जिहाद, जिहादन। ये जो मुजाहिदीन लिखा हुआ है अल मुजाहिदीना, ये कुरान में 2 जगह आया, और ऐसे यहाँ पर इसके आगे वो लिखा हुआ है इसके मीनिंग क्या है, द वंस हु स्ट्राइव, जिन्होंने अंथक प्रयास किया। तो इसका यानी वो सारे मीनिंग नहीं लिए इन्होंने, ये सिर्फ अंथक प्रयास ही पूरे कुरान के अंदर चल रहा है इसका मीनिंग हर जगह। इसी वेबसाइट इसी के ऊपर हम स्क्रॉल करके जब हम और नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा फिर ये जिहाद। ये जिहाद जो है, जिहाद का अर्थ है, ये जिहाद कुरान में 2 जगह आया, जिहादन जिहाद, टू स्ट्राइव एक जगह आया, एंड स्ट्राइविंग वन यानी अंधक प्रयास करना या अंधक प्रयास, ये कुरान में सिर्फ 2 जगह आए, इसके मीनिंग जो है वो ये है। अच्छा इसी में हम और नीचे चलेंगे, ये कितना मैं और दिखाना चाहता हूँ कि इसी आयत के अंदर जो मैंने सैंपल में रखी, मैंने ट्रांसलेशन देखे इस वेबसाइट के ऊपर 50 अंग्रेजी भाषा के अनुवाद दिए हुए इस वेबसाइट के ऊपर, शायद सारे ही आगे हो जितने अब तक किए गए, हो सकता है कुछ रह गए हो। उसमें मुसलमानों के जो है वो 50 ट्रांसलेशन है, और 5 जो है वो नॉन मुस्लिम के किए हुए ट्रांसलेशन है, गैर मुस्लिमों के। ये जो 50 ट्रांसलेशन है मैंने सारे देखे इस आयत के, उसमें 14 जगह जो है उन्होंने उसका अनुवाद किया था इस अंथक प्रयास, और 10 जगह उसका अनुवाद किया, 40 जगह, ये 14 गलत इस पे लिख गया है, इसे मैं ठीक कर दूंगा, 40 जगह अनुवाद किया था अंथक प्रयास,
और 10 जगह उसका अनुवाद था युद्ध, युद्ध करना। अच्छा इसमें 80% ने इसका अनुवाद ही किया, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में 80% ने इससे लड़ाई मतलब नहीं समझा, 20% लोगों ने लड़ाई से मतलब समझा, इनायत होती है निकाला है। अच्छा नॉन मुस्लिम ट्रांसलेशन उसके अंदर 5 दिए हुए हैं, उसमें ये जॉन अल्बेरी जो है इन्होंने तो अंथक प्रयास किया है, लेकिन बाकी सबने इसको युद्ध उसका अनुवाद किया है। जॉर्ज टेल है, एडवर्ड हेनरी पामर है, जॉन मीडो रॉडवेल है, और इनके दाऊदी दाऊद साहब जो है ये यहूदी है, ये बाकी तीनों जो है ये बाकी चारों जो है क्रिश्चियन है। तो ये 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के अनुवाद है, और इनमें सब जगह पे इन्होंने युद्ध किया है, सिर्फ वो जॉन अल्बेरी ने जो है वो इसका अंतक प्रयास किया है। तो असल में तो 80% मुसलमान इसका यही अनुवाद कुरान के करते रहे, लेकिन कुरान का अनुवाद देखता कौन है या समझता कौन है या देखना चाहता कौन है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सशस्त्र संघर्ष जो है वो धर्म युद्ध कहलाने लगता है, ये फाइट, इसीलिए इसके मीनिंग जो है ओरिजिनल नहीं थे, लेकिन जब सत्य के लिए लगातार प्रयास हो तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी मुल्कों की, बड़े स्तर पर जब लोग होते हैं ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब हथियार शस्त्र उठाने जरूरी हो जाए। मैं खाली इसकी एक एग्जाम्पल दूंगा, खाली एक मिसाल दूंगा, वैसे तो बड़ा लंबा अध्याय है और सब आप लोग जानते हैं इसे, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक यहाँ पर श्लोक रखा है गीता का, के दूसरा अध्याय 37वां श्लोक। बात यह कि इससे पहले से जो कुछ चला आ रहा है कि कौरव पांडव आमने सामने हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, जंग के लिए युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो युद्ध से बचना चाहते हैं, वो कहते हैं सामने हमारे यहाँ पर हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे चाचा मामा दादा हमारे गुरु हैं, हम इनसे नहीं लड़ेंगे, हम अपना अधिकार छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे जंगलों को। श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें युद्ध करना है, तुम अगर छोड़ गए तो अधर्म हो जाएगा, तुम युद्ध नहीं करोगे तो इस वक्त युद्ध ही तुम्हारा धर्म है। मैंने खाली एक श्लोक लिया यहाँ पर, श्लोक नंबर 33, अगर युद्ध में तू मारा जाएगा हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम, अगर मारे जाओगे स्वर्ग क्या की प्राप्ति होगी, जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम, जीते तो ये दुनिया का ऐश्वर्य और यहाँ का जो राज है वो तुम्हें मिलेगा, वो भोगोगे। तस्मात् तिष्ठ, तो इसलिए अब ऐसा करो कि खड़े हो जाओ कौंते ए कौंती के पुत्र, युद्धाय युद्ध के लिए कृतनिश्चय, पूरा दृढ़ संकल्प करके अब खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। तो अब ये जो प्रेरणा दी जा रही है, ये जो प्रेरणा किनको दे रहे हैं, किन से युद्ध करने के लिए दे रहे हैं, जहां सामने भाई है जहां ये युद्ध करना नहीं चाहते, तो श्री कृष्ण की शिक्षा है कि नहीं यहाँ युद्ध करना है। तो कुछ परिस्थितियां कभी ऐसी होती हैं, अब इसे तो मानकर चले, होता यह है कि जब हम रखते हैं दूसरे ग्रंथों की बात जिसे हम अन्न कहते हैं, असल में तो अन्न कोई धर्म ही नहीं है, ये बड़े अच्छे अंदाज में इसको पहले यहाँ पर रखा जा चुका है, हितेश जी रख चुके हैं, अन्न नाम का तो कोई धर्म ही नहीं, धर्म एक है, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये दूसरों का धर्म है ये हमारा, तो फिर ये चीजें भूल जाते हैं कि हमारे धर्म ने यही सिखाया था। और ये शिक्षा जो है इस वजह से मैंने ये रखा आपके सामने, या होती है जब दब ग्रंथ जो है वो मजबूर होते हैं युद्ध करने के लिए कहने पर। कुरान ने दी है वो परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में युद्ध होगा, 3 परिस्थितियां हैं, चौथी कोई नहीं है। वो है क्या शर्तें, ये जानना जरूरी है बहुत, इसलिए कि इन शर्तों से बाहर भी युद्ध हो रहे हैं, इस्लाम के नाम पर हो रहे हैं, तो ये और वो सारे गलत हैं, और उनकी उनका मुसलमानों को मिलकर विरोध करना चाहिए, वो जानेंगे तब ना। तो वहां जो शर्तें कुरान ने दी, 3 दी हैं कि 3 conditions में, 3 परिस्थितियों में युद्ध किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। पहला तो ये सिद्धांत तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी ने आक्रमण किया, किसी और देश ने आक्रमण किया, तो अपनी रक्षा के लिए युद्ध किया जाएगा, और उसके अंदर किसी को भी मतभेद नहीं है। कुरान ने ये बताया सूरह नंबर 22 और आयत नंबर है, सूरह नंबर और आयत नंबर है ये 39 और 40, तो ये तो गलत है, जी है आयत नंबर 39 और 40 है, सूरह नंबर 22 है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू वा इन्ना अल्लाहा अला नफ़रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बना अल्लाह। अब तुम्हें परमिशन दी जा रही है, ये ऑर्डर नहीं है, आदेश, यहाँ पे देखिए अनुमति के साथ में चला गया, इजाजत दी जा रही है, अब तुम्हें परमिशन दी जा रही है उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया गया, यानी किसी और ने आक्रमण किया, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया, और निश्चय ही परमेश्वर उनकी सहायता करने की पूरी सामर्थ्य रखता है। और ये लोग वो हैं जो अपने घरों से नाहक निकाले गए, केवल इसलिए कि वो कहते थे कि हमारा रब जो है वो एक ईश्वर है।
तो अब उन लोगों को जब दूसरों ने हमला किया है तो तुम्हें ये इजाजत दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है, ये है डिफेंसिव वार, ये पहली कंडीशन है और ये तो सर्वमान्य है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसमें किसी को कोई ऐसा असहमत होने का कोई सवाल नहीं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कुरान या इस्लाम ये कहता है कि तुम्हें जाकर आक्रमण करना है और वहां प्रोएक्टिव होना है, ये है आक्रमक युद्ध, ऑफेंसिव वार। ये ऑफेंसिव वार जो है इसके लिए कंडीशन दी गई कब होगी, ये सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 75। وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایشور کے اسے کہا ایشور کے مارگ میں یدھ، ایشور کے مارگ میں یدھ تمہیں کیا ہو گیا کہ نہیں کرتے، جبکہ کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں بہت بڑی سنکھیا کے اندر، کچھ دبے کچلے پرش ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، چلا رہے ہیں، پرارتھنائیں کر رہے ہیں کہ ایشور किसी को तो ये हमारे रब किसी को तो बस्ती में से ऐसा इस बस्ती में से या तो हमें निकाल दे जिसके लोग अत्याचारी बन गए, हमारे लिए अपने खास विशेष अपने पास से कोई समर्थक, कोई समर्थक बना दे, कोई हमारा सहायक बना दे, किसी को भेज के हमारी सहायता करे। तो अगर किसी जगह लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर कुछ लोगों को दबा कुचल के अत्याचार हो रहा है, तो ये कुरान कहता है कि ये कर्तव्य है तुम्हारा कि तुम्हें जाना चाहिए और उनकी सहायता करने जाना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। तो सिर्फ ऐसे केस के अंदर, बस इसके अलावा नहीं, ये दो चार लोगों की बात नहीं, अगर बड़े स्तर के ऊपर ऐसा कहीं पर हो रहा है तो ये आयत कहती है सिर्फ इस कंडीशन के अंदर कि जाकर लड़ो और ये भी ईश्वर के मार्ग में, ये अल्लाह के रास्ते के अंदर युद्ध होगा, ये यहाँ पर लड़ना जो है वो जरूरी है, ये है आक्रमक। एक तीसरी कंडीशन और है, इसे और देख लें कि इसमें इस्लाम फैलाने के लिए युद्ध करने की इजाजत नहीं है, इलाके जीतने के लिए कोई इस्लामी स्टेट हो मान लीजिए तो वो हमला करके और इलाके बढ़ाती जाए, मुसलमान बहुत हो जाएंगे, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो इसकी कुरान इजाजत नहीं देता। ये सूरह नंबर 10 और बहुत आयतें हैं, यानी यहाँ पे इतनी मैं रख नहीं सकता, कम से कम 50 आयतें रख सकता हूँ, मैंने एक आयत दी सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99। तुम्हारा रब, तुम्हारा प्रभु अगर चाहता तो सारे लोगों को ये आस्तिक ईमान वाला बनाकर पैदा नहीं कर सकता था सबको, जब वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये उसकी नीति नहीं थी, उसने क्योंकि वो अपनी तरफ से लोगों को बाइस के लिए बाउंड कर दे, अब अंदर तुकड़ी हूं ना सा, अब तुम जबरदस्ती करोगे वो तो हम ही कर लेते, तो फिर तुमसे करवाएंगे जबरदस्ती, अफवानता टुकड़े ना चाहता ये कुन मुमीन के तुम इनको ईमान लाने वाला बना दो, ये जबरदस्ती तुमसे करवाएंगे, तो हमारे इख्तियार में था, तो जब हमने फ्री दिल दी के जो दिल चाहे करें उसको परखेंगे, उसका 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 जो कुछ भी जैसा जीवन होगा उसका बदला मिलेगा, तो इसमें तुम दखल नहीं दे सकते, तुम सिर्फ पहुंचाने वाले हो। कुरान में जगह जगह कहा वह मानता भी मुसे थे, तुम्हें दरोगा बनाकर थोड़ी भेजा है, तुम्हारा काम जो है वो जगह जगह तुम्हारा काम सिर्फ बता देना है, इससे आगे तुम्हारा काम नहीं है। ये कुरान का जो बेसिक जो मूल दर्शन है, बेसिक फिलॉसफी, उसके खिलाफ हो जाता है अगर चाहे वो एक आदमी को जबरदस्ती करें, चाहे कहीं पर हमला करें और करें कि ये इतना इलाका और मुसलमानों को मिल गया, इस्लाम का हो गया, धर्म आ जाए यहाँ पर, इस्लाम धर्म फैलेगा, कुरान इसे मना करता है कि ये हमने तुम्हें इन लोगों को आजाद इसलिए नहीं पैदा किया था, ये तो हिसाब हम लेंगे। ये इन कंडीशन के अंदर जंग होगी, और एक उसके अंदर तीसरी जो है वो और है। एक रह गई जी, ये तीसरी और है। सूरह तौबा का मुझसे जिक्र किया था उस दिन भाई साहब अरविंद साहब ने, भाई साहब अरविंद तिवारी साहब ने, कि सूरह तौबा की कुछ आयतों को, मैं सूरह तौबा की बहुत सी आयतें लाया हूं, सूरह तौबा की चौथी आयत है, और उसको कभी आप अगर किसी भी दिन कहेंगे तो एक तरफ से 8-10 आयतें 15 जो है वो शूल एक तरफ से तरतीब से हम उसे पढ़ लेंगे। खैर अभी ये बीच में चौथी आयत। ये तीसरी जो कंडीशन है वो है कि जब किसी ने संधि जो है वो तोड़ी हो, एग्रीमेंट हो, मुआयदे हो किसी कौम से, किसी देश से, और उन्होंने संधि तोड़ी हो, संधि अगर तोड़ी किसी ने, संधि को बहुत ज्यादा महत्व देता है इस्लाम, के अपने व्यक्तिगत लेवल के ऊपर कोई वादा कोई संधि कभी नहीं तोड़ोगे, आपस में ग्रुपों से संधि हुई है, तुम कभी भी कितने नुकसान हो जाए अपने मुआहदे के, अपने अहद के
प्रतिज्ञा के खिलाफ नहीं करोगे, और दूसरा अगर मुआहदा तोड़ता है तो फिर ये दो किसी देश से है, किसी कौम से है, एक एग्रीमेंट है, हमारा सीज फायर का एग्रीमेंट है, नाजंग एक एक, एक, एक मुआहदा और संधि है। अब संधि उन्होंने तोड़ी, तो संधि उन्होंने तोड़ी तो इस केस के अंदर जैसी भी परिस्थितियां हो, इसलिए कि फिर कभी भी धोखा देंगे, तो जैसी परिस्थितियां हो, चाहो तो जंग कर सकते हो, चाहो तो ठीक है अपनी तैयारी करो, बात को रोका, लेकिन अब ये विश्वास के पात्र नहीं रहे कभी भी उनके पास से। हमारे यहाँ आसपास है ऐसे देश के जहाँ के जहां हम विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी गड़बड़ हो सकती है, संधियां होती हैं लेकिन संधियां टूटती हैं और गड़बड़ होती रहती है, तो फिर इसलिए उनके मामले में तो ये अब च्वाइस है। यहाँ पे ये भी नहीं है कि जाकर जंग करो, यहाँ ये भी नहीं है कि जंग मत करना, जैसी परिस्थितियां हो अगर तुम्हें जंग करनी की हो तो पूरी इजाजत है कि जाके जंग कर सकते हैं इनसे, नहीं हो तो फिर अपनी तैयारी करें, लेकिन ये तीसरी कंडीशन है जहां जंग की जा सकती है। इसके अलावा चौथी कोई एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें कुरान इस बात की अनुमति देता हो कि जंग की जाएगी या युद्ध किया जाएगा। जैसे युद्ध को जिहाद को युद्ध कहा जा रहा है ना, जिहाद तो शांति के लिए अंथक प्रयास को कहते हैं, अच्छे कामों के लिए अच्छे प्रयास में, लेकिन अच्छे कामों में लगातार प्रयास करते के बीच में ऐसा हो सकता है कि जंग की परिस्थितियां आ जाएं। अगर जंग की परिस्थितियां जंग थोप दी जाती है तो वो थोपी हुई परिस्थितियां होंगी, तब इस हिस्से को भी जिहाद कहा जा सकता है, वरना असल में ये जिहाद के मीनिंग या माने या अर्थ नहीं है। तो लेकिन वो सिर्फ ये तीन शर्तें हैं, चौथी कोई शर्त किसी भी परिस्थिति के अंदर इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम हथियार उठाओगे, चाहे अकेले भी और सामूहिक तौर पर भी और देश के स्तर के ऊपर। इन चार के लिए, इन चार के अंदर फिर इनके साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है। कोड ऑफ कंडक्ट का जो है यानी आचार संहिता, ये आचार संहिता जो है वो जितनी जगहों पर युद्ध की आयात है, सब में तो नहीं लेकिन 80% वहीं पर दी हुई है, उसी जगह आचार संहिता छोटी छोटी थी कि क्या नहीं करना है तुम्हें जंग के युद्ध के बीच में ही, तो युद्ध के लिए भी ऐसे ही छोड़ नहीं दिया गया। जहां पर जुल्म का खात्मा करने के लिए, उसका अंत करने के लिए, अत्याचार का अगर जाने के बाद हमें युद्ध करना हो तब भी आचार संहिता रहेगी वो, और किसी ने आक्रमण किया हो और हम अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए लड़ रहे हो तब भी ये आचार संहिता रहेगी। ये आचार संहिता में कुछ चीजें तो कुरान में बीच बीच में उन्हीं आयतों के साथ में छोटी छोटी सी बता दी है, और ज्यादा डिटेल और तफसील से जो है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, मैं दोनों रखूंगा सामने। मिसाल में रख रहा हूं मैं चार आयतें, ये चार आयतें मैंने इसलिए ली हैं, जगह जगह है वैसे तो, सूरह बकरा या सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190, 91, 92, 93 चार आयतें। ये चार वो आयतें हैं जिन्हें रखा जाता है कि इन्हें कुरान से निकाल दिया जाए, ये युद्ध जो है वो फैलाती हैं, ये जो है आतंकवाद फैलाने वाली आयतें हैं, ये वो है कि जो लोगों की मारकाट की बातें करती है, तो ये उन चार में से मैंने लिए, ये वो चार के। देखिए आप इस चार ये आयतों का क्या होता है, ये सिर्फ सैंपल रख रहा हूं मैं आपको। आयत नंबर 190, वकातिलू फी सबीलिल्लाह, ईश्वर के मार्ग में करो जंग, युद्ध करो, लड़ो। अब ये मानकर चलेंगे, इसे समझ लीजिए कि ये ऑर्डर या ये हुक्म जो है ये इसमें वो शर्तें लागू रहेंगी, जब युद्ध कोई हमला किसी ने किया है या हमें करना जरूरी था वहां अत्याचार खत्म करने के लिए, उसके अलावा तो जंग नहीं होगी। जब वो हो तो फिर ये वो कंडीशन इसमें साथ में लगेंगी, इससे अलग इसको नहीं पढ़ा जाएगा। वकातिलू फिर तो ईश्वर के मार्ग में उनसे लड़ो, अल्लदीना युकातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ने आए, तुम्हारे ऊपर जिन्होंने हमला किया। वला तातदू, लेकिन जंग में भी तुम्हारे हाथ से तुम सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो। सीमाएं क्या है, अब वो सीमाएं क्या है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतअद्दीन, सीमाओं के उल्लंघन करने वाले को, ज्यादती करने वालों को ईश्वर पसंद नहीं करता। वो सीमाओं का उल्लंघन क्या होगा, इन्हीं से मैं आगे बताया कि सीमाएं यहाँ क्या है। आयत नंबर 191, 191, वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुहुम, बड़ा खतरनाक लगता है जब इतनी सी चीज निकाल के लाई जाती है, इससे पिछली आयत में भी। अब ये आयत के अंदर पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जंग की कंडीशन अगर नहीं होंगी तो तुमने जंग की है तो वो जंग तुम कुरान के खिलाफ कर रहे हो और उसके तुम्हें हिसाब देना होगा ईश्वर को, अल्लाह को। तो उन कंडीशन है तब ये है कि तुम्हारे ऊपर जब किसी ने हमला किया लड़ सकते हो, लेकिन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना। अब आगे ये शुरू की जो हिस्सा है बड़ा खतरनाक लगता है, वक्तलूम हैसु तकतुम, तो ये युद्ध क्षेत्र में, युद्ध की बात चल रही है ना, उससे अगली आयत है। अब इसको निकाल कर ऐसे रख दिया जाए, युद्ध क्षेत्र की बात नहीं हो रही, नगर में, शहर में, कहीं पर भी कोई वो मिल जाए शब्द है काफिर,
कोई गैर मुस्लिम मिल जाए, काफिर तो गैर मुस्लिम माना जाता है। यहाँ तो पूरी भीड़ कुरान की परिभाषा के हिसाब से शायद 90% अपने आप को ठीक से ईमान वाला साबित नहीं कर पाए, अगर ईश्वर का अगर हिसाब दे उसको देना पड़े तो इन्हें। अब मैंने इसलिए लिख दिया ब्रैकेट में युद्ध क्षेत्र में, इससे पहली आयत में आया ना, तो जो प्रसंग चल रहा है उसे नजर पे रखिएगा, और युद्ध क्षेत्र में जहां कहीं उन्हें पाओ कत्ल करो। तो अब जाहिर बात है युद्ध क्षेत्र में ऐसा थोड़ी होगा कि आप दुश्मन सामने आए तो आप ये सोचेंगे अच्छा भी आपके लिए भी कॉफी वॉफी चाय कॉफी मंगवाते हैं, तो वहां तो मरने मारने और लड़ने के लिए जाते हैं, तो उन्हें जहां कहीं पाओ उन्हें कत्ल करो और उन्हें वहां से निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला था, क्योंकि फितना ये उपद्रव कत्ल से भी बढ़कर गंभीर चीज है। ये वो लोग हैं जो हमला करने आए हैं, इन्होंने फितना फैलाया उपद्रव फैलाया, तो इस अब अगर तुम्हारे हाथ से जाने जा रही हैं, वो जाने जाना छोटी बात है, जो कुछ इन्होंने किया ये बड़ी बात है, लेकिन मस्जिद हराम यानी काबा के निकट तुम उनसे नहीं लड़ोगे जब तक कि वे स्वयं, ये भी कहा वहां तो बिल्कुल जंग नहीं होगी। ये मस्जिद हराम दरअसल अनुवाद भी सुन लीजिए उसका, अगर मैं हिंदी में करूँ तो हराम कहते हराम वो जगह है, मस्जिद हराम वो मस्जिद या वो पूजा स्थल जहां पर युद्ध ना हो सके, युद्ध बिल्कुल नहीं हो, युद्ध जहां युद्ध ना हो वो युद्ध ना हो, जैसे अयोध्या थी अयुद्ध, अयोध्या वो जगह होनी चाहिए कि जहां कोई लड़ाई ना हो, जहां युद्ध ये वो नगरी जहां शांति रहे हमेशा, तो बहरहाल वो वहां की अयोध्या है। तो लेकिन मस्जिद हराम या काबा के निकट तुम उनसे मत लड़ना, वहां पर बिल्कुल युद्ध ना हो, लेकिन वहां पर भी अगर वो करें तो मजबूरी है तुम लड़ सकते हो जब तक कि वो स्वयं तुमसे युद्ध न करें, अतः यदि वे तुमसे युद्ध करें तो तुम उन्हें मारो, और इनकार करने वालों का फिर इस तरह के इनकार करने वालों का ऐसा ही बदला होगा। अब ये युद्ध की आयत चल रही है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। फिर बीच में एक आयत आ रही है, फिर यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट आया आचार संहिता, बस ये इतनी से शब्दों की आयत है कुल टोटल, लेकिन अब ये बीच में आ रही है 193 में फिर युद्ध की बात कही गई 193 के अंदर। अब ये जो बीच में आ रही है सारी थी बार बार टोका जा रहा है, पहले इन इन था, लेकिन अगर वो बाज आ जाए अपने शरारतों से बाज आ जाए, हमला करने से बाज आ जाए, हमला किया है लड़ाई के बीच में लड़ाई रुकवाना चाहे संधि फैनिन तो हो वो बाज आ जाए फैनल्लाह गफूरुर रहीम, तो ईश्वर जो है खुद उसी के गुण ऐसे हैं, वही उसके ये ईश्वर के गुण है, तुम्हें भी अपनाना चाहिए, गलतियों को ढकता है, दयावान है, माफ करने वाला है, क्षमा करने वाला है, तो तुम्हें भी फिर खत्म कर देना होगा। ये है 192 उसी के बीच में आ रही है युद्ध के बीच में, ये भी आचार संहिता की बात हुई, और फिर आखिर में 193 पे ये वृतांत पूरा हुआ यहाँ पर इन चार का, जिन चार आयतों को रखा जाता है इसके लिए भी उनमें से है कि इनको कुरान से निकालिए, ये नफरत फैलाती है। वकातिलुहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन, उनसे लड़ो उस वक्त तक जब तक के फितना उपद्रव जो है वो है बाकी, उस वक्त तक खत्म ना हो जाए, उस वक्त लड़ो। वयकूनत दीनुल्लाह, तो अब देखिए आइडियोलॉजी की जंग हो रही है, जिन्होंने आक्रमण किया है वो उस आइडियोलॉजी को नहीं पसंद करते इसलिए जंग हो रही है, तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ना ठीक बात है, बीच में क्यों रुकी जाएगी। हाँ अगर उन्होंने उस ये कहा कि नहीं अब हम इन चीजों से हम रुक जाएंगे तो पहले ही कहा जा चुका, फिर कह दिया फैनिन तो इसी आयत के बीच में, लेकिन अगर वो रुक जाए फला उद्वाना इल्ला अल जालिमीन, तो फिर जालिमों के सिवा किसी और के साथ में ऐसा नहीं करोगे कि उनके ऊपर हाथ उठाओगे या उनके उनके खिलाफ कोई एग्रेशन या तो इन्हीं आयतों के अंदर दो जगह ये आया कि दियाती नहीं हो, तीन जगह ये आया कि वो अगर बाद आ जाए तो। अब इन तीन चार आयतों को जिसमें से एक छोटी सी आयत है ही कुल इतनी जिसमें कहा गया, अब इन चार आयतों को अगर मैं ऐसे प्रस्तुत करूं, ये मैंने इन्हीं चारों में से लिया, ये इस स्क्रीन को जरूर देख लीजिए, अब मैं इन चार आयतों को ऐसे प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बीच में बहुत सी चीजें मैंने गायब कर दी है जो मैंने पढ़ी थी, और उसको भी पढ़ने में अगर खाली पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि युद्ध ऐसा नहीं है कि इलाका फतेह करने के लिए थी, जीतने के लिए थी, बल्कि वो इसलिए थी, उसके कारण बता दिए गए किस लिए थे कि जब तो अब इन आयतों का ये अनुवाद देखिए, तो मैंने बीच बीच में से चीजें काट दी है और इन चार आयतों में से ये उठाया है, और ऐसे ही ये रखा जाता है और सारे लोग पढ़ते हैं जो जगह जगह छापे जाते हैं, और अल्लाह के मार्ग में उनसे लड़ो, तुम उनसे लड़ो यहां तक के दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए, और जहां कहीं उन्हें पाओ कत्ल करो तो उन्हें मारो, ऐसे काफिरों का ऐसा ही बदला है, तुम उनसे लड़ो यहां तक के दीन अल्लाह के लिए हो जाए, ये इन चार आयतों में से मैंने निकाला। अब जमीन आसमान का फर्क हो जाता है और ये ऐसे ही प्रस्तुत की जाती है। अच्छा जब वो छापी जाती है लोग पढ़ते हैं तो मुझे तो जितने लोग आज तक मिले, मैंने पूछा पढ़ी, उन्होंने कहा हमने पढ़ा, बल्कि ये तक दावा करते हैं कि थी किताब में 6-7-8-10 या 20-25 आयतें जो दी हैं, उसे पढ़ने वाले आगे ही दावा करते हैं हमने पूरा कुरान पढ़ा है,
उन्होंने इसको भी चेक नहीं किया कुरान शरीफ उठाकर, इतना भी चेक नहीं किया कि ये अनुवाद क्या ऐसे ही है, इतना भी चेक लोग नहीं करते, तो उसे देख लिया करें। फिर समझ में नहीं आए, हो सकती है आपत्तिजनक लग सकती है, फिर समझ में नहीं आए तो अपने किसी मुस्लिम भाई से उनसे पूछेंगे, इसे समझाइए नहीं क्या है, किसी विद्वान से पूछे समझाइए, और अगर गलत है तो उनसे कहिए, आपका कर्तव्य है कि उन्हें कहिए कि आप भी मत मानो, बात ठीक है। लेकिन लोग दावा करते हैं हमने पढ़ा है, हमने खुद देखा है, होता ही है कि छापी जाती है, हवाला भी लिखा हुआ है, उदाहरण भी लिखा हुआ है, तो लोग उसे बड़ा ऑथेंटिक मानते हैं, बड़ा प्रामाणिक मानते हैं कि ये तो बिल्कुल सच्ची सच्ची जिन्होंने दिया है बिल्कुल सच दिया है और ये ऐसे रखा है। तो फिर जाहिर बात है ऐसी चीज यहाँ पर भी लिखी हो उस किताब को तो जला देना चाहिए और उसमें से ये चीजें निकाल देनी चाहिए जब ये ऐसे है। ये मैंने सिर्फ एक जगह से आपको दिया खाली ये बताने के लिए, अभी आचार संहिता की बात चल रही थी कि जहां जहां युद्ध की आयात है सब जगह नहीं, 80% जगहों पर तो कुछ छोटी मोटी बात वहीं पे कही गई जिसे हम आचार संहिता मान ले, यानी युद्ध के बीच में ही अगर वो रुकने की बात कहें तो रुक जाना, शांति की बात मान लेना ये, और देखो जो ज्यादती नहीं कर रहा है तो उस ज्यादती वाले के ऊपर हाथ मत उठाना, तो ये बातें तो इतनी इसके बीच में आ गई। अब कुछ ऐसी चीज है कि ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कुरान ने दिया है कि संधि और शांति को युद्ध के ऊपर प्राथमिकता है, युद्ध पर प्राथमिकता दी जाएगी। देख लीजिए ये तो मतलब इनको नहीं लाते ना तो जिन लोगों के जहन में ये है कि ये तो सिर्फ इस्लाम कुरान मारकाट की बात करता है उनको तो विश्वास भी नहीं होगा कि फिर इन चीजों को क्यों नहीं लाते सामने। जंग के बीच में अभी जंग की ये आयतें भी सिर्फ युद्ध से विशेष है, ये युद्ध की परिस्थितियों में है। ये सूरह नंबर 8 आयत नंबर 61-62 वह इन जनाहु लिसल में, अगर वो झुके शांति की तरफ या संधि की तरफ, फजना लहा तो तुम भी झुकना, वह तवक्कल अल्लाह और ईश्वर पर तुम फिर भरोसा रखना, इन्हों हुआ समीउल अलीम, वो सुनता भी है जानता भी है। अब जाहिर बात है कि आक्रमणकारी अगर वो है, हमला उन्होंने किया है, युद्ध के बीच में वो कहे कि युद्ध विराम कर लीजिए संधि कर लीजिए तो क्यों कहेंगे, ये बहुत सीधी सी बात है, बच्चा भी समझ सकता है कि हार रहे होंगे, दब रहे होंगे तब करेंगे, वरना आक्रमणकारी क्यों बीच में कहेंगे कि संधि कर लीजिए या शांति कर लीजिए। कुरान कह रहा है कि अगर उनके पास से ये प्रस्ताव आए, ये प्रपोजल आए, तो तुम अल्लाह पर ईश्वर पर तुम भरोसा करते हुए मान लेना, जंग मत करना। इससे पहले क्या है तो भी था फैरिन तो अगर वो बाज आ जाए तो फिर ज्यादती मत करना, अब ये साफ लफ्जों में कहा गया है यहाँ कि फिर उस प्रस्ताव को युद्ध विराम के मान लेना। वह उसके आगे फिर इस शंका का समाधान है जो अपने दिलों में पैदा होती उनके, वही यूरीदू अगर उनका इरादा ये होगा अई यखदऊ का कि वो तुम्हें धोखा दे, तुमसे दगा करना चाह रहे हो, विश्वासघात करना चाह रहे हो, अगर ये इरादा हो पहनना हजरतुल्लाह तो ईश्वर तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, तुम परवाह मत करो, लेकिन संधि के प्रस्ताव को मना मत करो जंग के बीच में, और जब तुम जीत रहे हो तब भी वल्लजी अयदा का बिनसरी वबिल मोमिनीन, इससे पहले भी बहुत से अवसर के ऊपर ईश्वर तुम्हारी सहायता कर चुका है, वो सहायता तुमसे की तुम्हारे उसने की है ईमान लाने वालों के माध्यम से। आप कुछ फरमा रहे हैं सैयद साहब, आज की जो वार्ता है इस पे बहुत से लोगों के प्रश्न आ चुके हैं, अगर आपकी अनुमति हो वीरेश्वर उपाध्याय जी भी 5:30 बजे चले जाते हैं, कहें कि उनका 5:30 बजे से अपने संध्या कार्यक्रम में और बाकी और उसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि कहें कि ये कार्यक्रम तो आगे भी चलना है और सब हमारे जो प्रयास है इसे चलने हैं, तो कुछ लोगों के प्रश्न ले लिए जाएं एक एक करके। तो हम प्रश्न लेना प्रारंभ कर रहे हैं, 6 लोगों ने अभी हाथ उठा रखे हैं। सबसे पहले इमामुल हुसैन साहब, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं। इमामुल हुसैन साहब अगर आप सुन रहे हैं तो, इमामुल हुसैन साहब, ऋषभ राज जी आप अपनी प्रश्न किए, इमामुल हुसैन साहब शायद उपस्थित नहीं या सुन नहीं पा रहे। ऋषभ राज जी, यस जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि जो कुरान में जो हेवन एंड हेल है वो कंटिन्यूअस है, एंडलेस है, या फिर उसका एंडिंग है कहीं जाकर? देखिए कुरान तो ये मुसलमानों की को बहुत कम मालूम है, ये कुरान जो है ये जो सूरह तौबा है सूरह नंबर 9। आपकी आवाज कम हो गई है, पीछे हो गए आप। सही अब्दुल्ला जी,
सूरह नंबर 11 में आयत नंबर 113 और 114 में कहा गया है कि इसका भी एक जगह जाकर अंत होगा। इसलिए कि ये मानव जीवन का ये जो अगर ये किसी जगह से शुरू है तो किसी जगह जाकर अंत भी होगा, तो इसको हमेशा का नहीं कहा। तो बहरहाल ये आमतौर से मुसलमान ऐसा नहीं समझते। लेकिन इतनी बात और है, मैं और भी प्रश्न करने वालों से कहूंगा कि ये जो विषय चल रहा था अगर इस पर प्रश्न हो तो ज्यादा अच्छा है, प्रश्न तो एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं जवाब दे, लेकिन उसके हम आगे इससे भी संबंधित और चीजें होंगी आई होंगी जो आपके प्रश्न होंगे इससे अगर अलग है तो हम उसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि नहीं, जिसे कहा भी हमेशा तो ईश्वर के हम सदा हुआ ये इसे समझना होगा, रिलेटिव बात है और शायद इसे मैथमेटिक्स जानने वाले ज्यादा समझ सकते हैं दूसरों के मुकाबले में, के एक नित्यता जो है इटर्निटी या हम जिसे इनफाइनाइट कहें, हमारा इनफाइनाइट और ईश्वर के इनफाइनाइट में भी अंतर है। तो हमारा इनफाइनाइट जिसे हमारी एक रेंज है, कितना सोच सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं हमारे सोचने के अंदाज की, जिसे हम इन जहां जाके हमारा दिमाग भी रुक जाता है, कल्पना भी रुक जाती है, ईश्वर की रेंज उससे भी आगे है। तो हमारी एक रेंज है, हमारा इनफाइनाइट जिसे हम कहते हैं और ईश्वर के इनफाइनाइट में ही फर्क है। तो अगर किसी जगह ये भी कहा गया कि ये इनफाइनाइट तुम्हें दिया जाएगा तो उसका भी एक अंत होगा, लेकिन ईश्वर बात पे उसकी सृष्टि चलती रहेगी, दूसरी सृष्टि आएगी, ये खत्म होगी दूसरी आएगी। जहां से ये सृष्टि शुरू हुई उससे पहले क्या उसका गुण खालिक होने का, सृष्टि रचना करने वाला होना, खालिक पैदा करने वाला, क्या वो गुण नहीं था उसमें, या वो गुण जो था वो उसका अंदर पड़ा हुआ था और वो इनर्ट था, बेकार पड़ा हुआ था। तो अगर उसके गुण कहीं सामने आते ही नहीं जब तक वो कोई सृष्टि ना हो, जब तक दूसरे नहीं हो, तो ये जहां से सिस्टम पूरा चला इससे पहले भी कुछ होगा, इसके बाद भी कुछ होगा और वो रहेगा हमेशा, उससे पहले का भी हमेशा रहेगा। तो ये जन्नत जहन्नुम खत्म हो जाएगी। मेरा सभी प्रश्न पूछने वालों से एक निवेदन है कि वो आज के जो बातें रखी हैं सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने उस पर अपने बात रखें, कहे कि हम इस पे अवश्य वीरेश्वर उपाध्याय जी, युग मनीषी जी से उनके आज के चर्चा पे, बात पे, वक्तव्यों पे, उनके विचारों को जानना चाहेंगे। मौलाना एजाज शाहीन कासमी जी वापस जुड़ गए हैं और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, उनका स्वागत भी है, उनसे निवेदन भी करूंगा कि वो अपने को अपना वीडियो ऑन कर लें जिससे सब लोग उनको देख सकें। तो मेरा प्रश्न पूछने वालों से निवेदन है कि जो भी प्रश्न है आप वो प्रश्न पूछें जो आज के अनुसार हैं, अन्यथा आगे के प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डाल दें, उसको हम लोग आगे अवश्य उठाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न आए हैं कि क्या लोगों ने कुरान पढ़ी है कि नहीं, हम अवश्य इसका प्रश्न पूछेंगे, क्या मदरसों में इस तरीके की बातें सिखाई जाती हैं तो किस कुरान से, ये सारे प्रश्न लिए जाएंगे, सारी बात की जाएगी। कोई सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि सारी बात हम करेंगे, जब करेंगे तो करेंगे। और एक बात मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं बता दूं, हमारे सामने दो बड़े विद्वजन उपस्थित हैं, सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के विरुद्ध फतवा जारी हो चुका है और ये उस फतवे के अंतर्गत भी अपनी इन बातों को रखते हैं, इसलिए बहुत सी इन भ्रांतियों को तोड़ दें कि वो इस्लाम का प्रचार या क्रिश्चियन का प्रचार या हिंदुत्व के प्रचार के लिए यहाँ आए हुए हैं, वो यहाँ आए हैं प्रचार करने के लिए मानव धर्म के, और मानव धर्म के प्रचार को समझने के लिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सैयद अब्दुल्ला साहब से कि कल प्रारंभ में आप थोड़ा सा कुरान और वेद को रिलेट करके अगर प्रारंभ में कल बता सकें, जिससे कि लोगों के मस्तिष्क में एक सही बात घर करे। और कुरान जो इस तरीके से विकृतता लिए हुए है मनुष्य की मनोदशा में, मानसिक रूप से जो देख रहा है सारी चीजों को, वहां से उसका ना कि केवल हिंदुओं बल्कि जो मुस्लिम इस तरीके के हैं जो इन विचारों से ओतप्रोत हो चुके हैं, जैसे कि एक मुस्लिम भाई ने ही लिखा कि हमारे पास क्या रास्ता है कि उन लोगों को बताना कि वो इस रास्ते से दूर हटें, तो ये इसमें बहुत ही सहायक होगा और हम एक सही दिशा में जा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के अटेंडीज हैं उनसे हम ये निवेदन करें कि अपने प्रश्नों को क्वेश्चन बॉक्स में टाइप कर दें, कल भी जुड़े हैं तो हम लोग प्रश्न लेंगे और हमारा सत्र एक घंटा अधिकतम सवा घंटा चलेगा, क्योंकि हम वीरेश्वर उपाध्याय जी के विचारों को जाने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि जी जी
वीरेश्वर उपाध्याय साहब की बात अगर चूंकि बड़े हैं तो अंत में होती, लेकिन इतनी सी बात क्या पूछ सकते हैं मुफ्ती लिया साहब से और मौलाना शाहीन साहब से, अगर ये सब ये मौजूद रहे कि कुरान की आयतों का या जो कुछ मैंने इस्लाम की दृष्टिकोण से रखा उसमें कोई बात इनके नजदीक आपत्तिजनक थी? बिल्कुल एकदम, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब से निवेदन करेंगे वो अपनी बातों को रखें। इलियास साहब जी, सैयदुल्लाह तारिक साहब ने जो कुछ बयान दिया कुरान की रोशनी में वो बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैंने एक चीज देखी इलियास साहब, आप बड़े सूक्ष्म और बड़े सीधा बोलते हैं, सपाट। आपको कहीं इससे खतरा तो नहीं होता वहां जाकर के मस्जिद में? नहीं नहीं कोई खतरा नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात आने वाले की सुरक्षा ऊपर से होती है। और मैं बहुत बढ़िया, आपने मेरे फतवे की बात कही थी उस पर इतनी थी और बता दूं कि एक ग्रुप ऐसा है कि उन्होंने फतवा दिया, सब जगह पर वो छाप कर लगा कि ये काफिर है। अब वो उसके बाद 10-15 साल बाद वो भूल गए कि ये फतवा आया था, बात आई गई हो गई, बहुत से लोग सदोल गए। 15-20 साल के बाद फिर उनको किसी बात पर गुस्सा आया, उन्होंने फिर फतवा दे दिया कि ये काफिर। तो अब मैंने उनसे प्रश्न किया, उसे पेपर के माध्यम से मैंने उनसे कहा जो मुझसे बाइट लेने आए थे कि भाई आपको काफिर बना दिया। मैंने कहा एक बार बना चुके, वापिस इस्लाम में लिया नहीं था, तो जब इस्लाम में वापिस नहीं लिया मैं काफिर हूँ, अब काफिर कैसे हो गया मैं, वो तो था मैं। तो अगर बहुत, मैं बहुत, अगर इस्लाम में वापिस ले लें तब तो दोबारा काफिर बनाए, उन्होंने लिया कब था। तो ऐसे ऐसे मजाक होते हैं। मौलाना आजाद शाहीन काश्मी जी, आपकी बातों को हम सुनना चाहेंगे, निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है और बहुत ही दयावान और कृपालु है। अभी हमने जो बातें सुनी, आपने जिस तरह से कुरान के रेफरेंसेस के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही दलीलों के साथ आपने बातें की है, और कुरान की आयतों को बिल्कुल ठीक ठीक और सही सही तरीके से आपने पेश किया है, और कोई भी ऐसी बात आपने नहीं रखी है जिससे किसी भी मुस्लिम विद्वान को इसमें कोई एतराज होगा या इस्लाम के रेफरेंसेस से अलग हटकर कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं रखी है। तो मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ, आपको इसके लिए जजाकल्लाह कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को पेश किया है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जैसा कि आपने बताया कि आगे के भी हमारे जो सत्र चलेंगे और उसमें और भी लोगों के जो प्रश्न और सवाल आएंगे उसको भी कुरान और हदीस के रेफरेंसेस में एक मुदल्लल तरीके से रखने का आपकी तरफ से कोशिश होगी, एक अच्छा प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मी साहब, और मेरा आप दोनों से निवेदन है, लियास साहब से और आपसे, कि आप लोग इस कार्यक्रम में प्रतिदिन बने रहें। और कारण यह है कि हम ये चाहते हैं कि सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब जहाँ कहीं पे भी बातों से अलग हटें उनको पकड़ करके मुद्दे पर लाया जाए, तो आपको की उपस्थिति आवश्यक है, और आप लोग उपस्थित रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ हम वीरेश्वर उपाध्याय जी से आज के बातों पर उनके विचारों को हम जानना चाहेंगे। आदरणीय युगमनीषी जी, आप अपने बातों को रखें। सबको बहुत बहुत नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आप सब सबको बहुत बहुत नमस्कार, बढ़िया प्रयास है, चालू रखिए। और जो लोग सुनी हुई बातों के हिसाब से इस्लाम पे प्रश्न उठा देते हैं और कुरान एज इट इज पढ़ नहीं सकते, अनुवाद लोगों ने अपने अपने ढंग से किए हैं, कुछ लोगों ने बरगलाने के हिसाब से ही कर दिए होंगे कुछ ने उसे, तो उनके लिए मेरा एक निवेदन है कि विनोबा जी ने की दो पुस्तकें हैं, एक है रूहुल कुरान, कुरान सार,
और एक है इस्लाम का पैगाम, ये हर कोई पढ़ सकता है। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने इसी दृष्टि से समझाया है कि हमारे दिलों की दूरियां कैसे हटें, हमारे अंदर एक आत्मता कैसे आए। तो ये मेरा है कि विनोबा जी की दो किताबें हिंदी में भी उपलब्ध हैं, उर्दू में भी उपलब्ध हैं, रूहुल कुरान या कुरान सार और इस्लाम का पैगाम, इसमें उन्होंने बहुत अच्छा खोल खोल करके बात कहा है और अपनी भावनाएं भी जोड़ी हैं। और ये देखा है कि इतनी अच्छी भावनाएं हमें इस्लाम में मिली, ये हमने जब अध्ययन किया तब पता पड़ा। तो होता ये है, मैं और भी उसमें मैं गया और अपने जमाते इस्लामी के सदर थे उस समय, उनसे उन्होंने यही बात कही थी कि हम तो साथ में मिल के तो रहे, ये जो सियासी लोग आ गए जो राजनीतिक स्वार्थ अपनी रोटियां सेकने वाले थे, उनने डिफरेंसेस पैदा कर दिए। तो एज इट इज आध्यात्मिक दृष्टि से जहां पहली बार भेंट हुई थी तारिक साहब से, दारुल उलूम देवबंद में गया था, तो वहां भी मैंने उन लोगों से यही निवेदन किया था कि अपने वो लोग जो राजनीतिक लोग बोलते हैं वो तो अध्यात्म प्रकाश डालने के अधिकारी ही नहीं है, आप कहिए कि हम जो कहते हैं वो सही है। और वो नारा भी लगवाया था कि अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता जब। तो जैसे तारिक साहब फिर वहीं से परिचय में हुए, फिर निकट आते चले गए, फिर बाद में पता उनके गुरु साहब भी गुरुदेव से मिले थे वगैरह। तो कहने का मतलब है कि इस दिशा में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, हम इनको हाईलाइट करें, लोगों को बताएं। और जो लोग वास्तव में ही जिनके मन में अगर कुछ रोष है, तो इस्लाम को समझने के लिए मैंने तो कह दिया रूहुल कुरान या कुरान सार और इस्लाम का पैगाम, विनोबा जी की दोनों पुस्तकें हैं, कहीं भी सर्वोदय केंद्र पे मिलेगा तो पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। और सबको इस प्रयास के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय युगमनीषी जी, आपकी बातें भी बड़ी स्पष्ट और दो टूक होती है, कहीं लाग लपेट या दुराव छिपाव नहीं होता है। और अभी भी देखिए, हम लोग आज एक प्रथम दिन है और बहुत से लोगों के बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो शायद लोगों को पढ़ने में सुनने में चुभेंगे, लेकिन मेरे को उनको पढ़ करके एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि लोगों के अंदर के जो जिसे कहते हैं विचार, जो अनर्गल विचार हैं, जो कि एक विष के रूप में हमारे मस्तिष्क में पड़े हुए हैं, वो कम से कम दूर होंगे अपने विचारों को बाहर रखने से, नंबर एक। नंबर दो, सबसे अच्छी बात यह है कि जब ऐसे प्रश्न आएंगे जिसको कि हम करते हुए डरते हैं और इनके उत्तर प्राप्त होंगे, जहाँ पे कि ऐसे ऐसे लोग उपलब्ध हैं, इलियास साहब और हमारे शाहीन कासमी साहब और स्वयं अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला तारिक जी, ये सब लोग उपलब्ध हैं और उपस्थित हैं। और ऐसी स्थिति में जब ऐसे प्रश्नों के उत्तर इनको देने हैं, तो बड़ा एक आप ये समझिए कि कितना एक अच्छा संयोग है कि हम इन्हीं के धर्म के जो बातें हैं इन्हीं के मुंह से, इन्हीं के द्वारा जानना चाह रहे हैं कि इतनी समाज में जो दिख रहा है और जो वास्तविकता है, वो अंतर कहाँ से कैसे और कब आना शुरू हुआ, उसके पीछे के निहित स्वार्थ क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। क्योंकि आपने तो देखा होगा, जो आपने और हमने आपस में प्रश्न साझा किए, उसमें से ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिन पे थोड़ी सी रूपरेखा डाल दें, 56 देश हैं, 56 देशों के बाद भी वहाँ पे शांति क्यों नहीं, आपस में ही मारकाट क्यों, और इस्लाम में ही आपस में इतने सारे मुस्लिम समुदाय हैं, बोरा अंसारी शिया सुन्नी, आपस में इनमें भी इतना भेदभाव क्यों। तो ये सब बातें जब आ रही हैं, तो मेरे को लगता है कि ये समुद्र मंथन जैसा काम है, लोगों के विचारों में तो इतनी अर्गल विष भरा हुआ है आज के वातावरण को देखते हुए, कि वो विष का मंथन होकर के शरीर से बाहर आना अब आवश्यक हो गया है, वह भी दोनों पक्षों के तरफ से, दोनों पक्षों मतलब सभी पक्षों की तरफ से, दो ही क्यों, सभी पक्षों की तरफ से, यह अत्यंत आवश्यक है और इस प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी खूबी इस चीज की है कि सुंदरता की हम लोग यहाँ पे एक राजनीतिक मंच से नहीं है, और हम लोग कोई टीवी मीडिया वाले नहीं है जो शोर मचाने वालों या उन लोगों को बातों को करके अपने समय को बर्बाद करें, उनको यूं ही नष्ट करें, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो आज के कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ेंगे, कहे कि वीरेश्वर जी के उपस्थिति हमारे लिए बड़ी शक्तिदायक होती है,
वो उनसे निवेदन है कि कुछ मिनट और रहे, इससे पहले हम लोग इस कार्यक्रम को कल तक के लिए स्थगित करें और आगे चलें। तो मेरा निवेदन है पहले ब्रजेश माथुर जी से, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के प्रणेता और एक काम करने वाले हैं। आज की जो बात हुई ब्रजेश जी, वो आपके जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसको लेकर के इन बातों का कहाँ तक आपस में संबंध स्थापित होता है? Yes. मेरा एक्चुअली जो किसी भी रिलीजन का बिलीफ और प्रीचिंग है उसमें और उसके रिलीजन के फॉलो करने वाले लोगों के व्यवहार में बहुत अंतर है, और ये अंतर सब माफ कीजिए सबसे ज्यादा इस्लाम में दिखाई देता है, क्योंकि इस्लामी बिलीफ को फॉलो करने वाले लोग इस्लाम के नाम से जो इस्लाम में सिखाया गया उसके बिल्कुल विपरीत अगर काम करें तो फिर दुनिया में थोड़ा चहल पहल रहती है और लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरह उसको डील करें। जैसे आप देखिए हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन की प्रीचिंग्स हैं, बहुत से लोग जो अच्छा काम करते हैं वो रिलीजन के नाम से नहीं करते, और जो गलत काम करते हैं वो भी रिलीजन के नाम से नहीं करते, पर इस्लाम के लोग रिलीजन के नाम से बहुत तकलीफ देते हैं बाकी सब लोगों। ऐसा क्यों? प्रश्न किया है आपने कि कल के लिए विचार रखे हैं ब्रजेश जी। प्रश्न किया है कि ये जो इस्लाम रिलीजन की प्रैक्टिस और प्रीचिंग में इतना ज्यादा गैप इतने अरसे से सारी दुनिया में महसूस हो रहा है, उसका ऐसा क्यों है और उसका इलाज क्या है? मेरे को ये लगता है कि इस पे पूरी एक सत्र की आवश्यकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि इसको आगे उठाया जाए और आने वाले सत्रों में इसको लिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रश्न हो गए हैं कि जो इसी से ही जुड़ मिलते जुलते आ गए हैं। जो आपने बोला है, सबसे पहले तो मैं आपका एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बहुत सम्मान इसलिए करता हूँ कि आप वास्तविकता में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में अपने को हमेशा प्रस्तुत करते हैं और आप अपनी बातों को उसी बेबाकी से उसी स्पष्टता से रखते हैं, तो इस चीज के लिए तो हम हमेशा आपका स्वागत करते हैं ब्रजेश माथुर जी। और आप हमारे इस कार्यक्रम के जो जिस तरीके से जुड़े हुए हैं उस चीज को देखते हुए हम इस पे जरूर कल चर्चा करेंगे। हितेश जी, आपने आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितनी भी चर्चा आज हुई, आपने एक पुस्तक लिखी है कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट, जो धीरे धीरे चर्चा का विषय बनती जा रही है, और साथ ही आपने कार्यक्रम भी चला रखा है जो कि अगर यूट्यूब पे जाया जाए सॉरी गूगल पे जाया जाए SALDP सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये आपका इसको शुरू करने का क्या उद्देश्य था, सूक्ष्म बताइएगा कि समय आज बहुत सीमित है, और दूसरा आपको इसको करने से पूरे समाज को लाभ क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी इस प्रश्न के लिए, और जैसा आपने कहा कि सूक्ष्म और संक्षेप में ही बताऊं तो देखिए पूरा जो ब्रह्मांड है वो केवल दो तरह के तत्वों से बना है, जड़ और चेतन, और जो हमारा शरीर और हमारा जो अस्तित्व है वो भी जड़ और चेतन से ही बना है। दोनों में ही एक दूसरे को ओवरपावर करने की क्षमता है, तो यदि हमारा जड़ अधिक है हमारे अंदर यानी कि इनर्ट मैटर अधिक है और चेतनता कम है तो हम सत्य से दूर रहते हैं, और यदि चेतनता ऊपर है तो हम सत्य के करीब रहते हैं। तो जितने भी रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ये सब कुछ बने हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारे साधन है। लक्ष्य हमारा है हमारी चेतनता को बढ़ाना। मुस्लिम बनना ज्यादा आवश्यक है या इंसान बनना ज्यादा आवश्यक है, हिंदू बनना ज्यादा आवश्यक है या मनुष्य बनना ज्यादा आवश्यक, ये चीज हमें अपने आप से पूछनी है। तो मनुष्य और इंसान ये कैसे बनेंगे? चेतनता के बढ़ने से, और उसी चेतनता को बढ़ाने के लिए कि किसी भी धर्म विशेष का, भाषा का या राष्ट्र का नागरिक कोई व्यक्ति हो,
उसको चेतनता कैसे बढ़ानी है, उसी के लिए कोड ऑफ सिटीजंस कंडक्ट, जो कि हम सबके अस्तित्व का कोड ऑफ कंडक्ट भी है, आचार संहिता भी है और सोर्स कोड भी है, डिजाइन भी है, वो उस पुस्तक में 184 चित्रों के माध्यम से बताया गया है। दूसरा जो सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका अर्थ ये है कि ये जो हमारे अंदर आत्मा है, ये अगर आप रियलाइज कर भी लो तो किसी काम की नहीं है। जैसे कि पैसा, पैसा आपके पास कितना भी हो जाए और तिजोरी में बंद पड़ा है और कहीं उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही आत्मज्ञान भी तब तक का काम का नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन तब तक काम की नहीं है जब तक वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट ना कर दी जाए, जब तक हमारे अंदर का अव्यक्त परमात्मा जो है कर्मों में व्यक्त ना हो जाए। ठीक है, जैसे हिंदू लोग राम और कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, या मुस्लिम लोग मोहम्मद जी को फॉलो कर रहे हैं, या जो है जीसस क्राइस्ट को फॉलो किया जा रहा है, कौन है ये सब लोग? ये सब लोग वो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो उच्च चेतना अवस्था तक पहुंच चुके थे। तो अब ये नए युग परिवर्तन में वो समय आ गया है कि हम सब लोग वहां तक भी पहुंचे और उससे आगे भी पहुंचे। ये सभी महानुभव, इन्होंने अपने अपने समय पे जो बड़े बड़े कार्य किए और प्रोफेट बनके या मैसेंजर ऑफ गॉड बनके काम किए, उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो संभव था, जो उनसे हो सकता था, उन्होंने सब किया। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है, आज की आवश्यकताएं अलग है, तो आज जिस चीज को करने के लिए आवश्यकता है, हो सकता है इन सब लोगों से अधिक चेतना की आवश्यकता हमारे अंदर हो। तो उस चेतना को कैसे बढ़ाना है, कैसे उनसे भी ऊपर का दर्शन लेना है, प्रॉफिट मोहम्मद से ऊपर का दर्शन, जीसस क्राइस्ट से ऊपर का दर्शन, राम कृष्ण और बुद्ध से ऊपर का दर्शन, ये सारी चेतन शक्ति हमारे अंदर है और उसी के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोग्राम है कि अपनी आत्मा को अपने कर्म में व्यक्त करके आप बनिए प्रॉफिट, आप बनिए मसीहा, आप बनिए अवतार, आपकी जनता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कम से कम 1,000 फैमिलीज का उद्धार कीजिए, पूरा रिफॉर्म कर दीजिए उनको। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस प्लेनेट, यही संदेश लेते हुए कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट और SLDP आता है। आज इतना ही, बहुत कुछ है इसमें, मैंने सभी लोगों के लिए जो 4-5 YouTube चैनल्स के लिंक शेयर किए हैं, मेरा अनुरोध है आप सभी पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब पे अलग अलग तरह का कंटेंट आएगा जो सबको एक साथ जोड़ने की, सारे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम में जोड़ने का आपको कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज डू दैट एंड कंटिन्यू अटेंडिंग ऑल दिस सेशंस, बहुत कुछ आने वाला है। अरविंद जी ने जो शुरुआत की है ये अब रुकेगा नहीं, अब देयर इज नो लुकिंग बैक, अभी आगे आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। हितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बात रखी इस बात से बहुत सी ऐसी चीजें, बस से ऐसे प्रश्न निकल करके आने प्रारंभ हो गए अभी से, जो कि एक अच्छे संकेत की तरफ सूचित करते हैं। कहे कि जब प्रश्न आते हैं तो हमारे विचारों में शुद्धि होती है और वो शुद्धि आवश्यक होती है, कहे कि जब हमारे गंदे विचार बाहर निकलते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि ये एक आहुति हो गई, तो आहुतियाँ पड़नी प्रारंभ हो गई हैं और ये शुद्धि वातावरण की जो प्रारंभ की है आज, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया आहुति पड़ी है और ये वातावरण को अवश्य शुद्ध करेगी। और सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, हम आपकी जितनी प्रशंसा करें उतना कम है, कारण ये नहीं कि आपने बहुत अच्छे से बताया, कारण ये है कि जो चीज आपने बताने की बात रखी उतना साहस करना ही अपने आप में प्रशंसनीय हो जाता है, क्योंकि उसके लिए अगर आप में साहस है, मैं हमेशा और हमारा ग्रुप, हम लोग हमेशा ही बात करते हैं जिसमें ब्रजेश माथुर जी भी हैं और हितेश जी तो बाहर हैं ही नहीं, ये कहते हैं कि अगर हमें कुछ ही मार्ग को तय करना है, टिकट भी ले लिया कुछ भी कर लिया, तो आपको घर से बाहर तो निकलना ही है। आप घर से बाहर निकलेंगे तभी आप वातावरण, खुले वातावरण में आएंगे और आप खुल करके बाहर निकले हुए हैं और हम इसी वजह से आपकी जितनी भी प्रशंसा अगर सिर्फ इसी बिंदु पे की जाए वो अपने आप में ही असीम हो जाती है। तो आदरणीय, कल इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग इसी समय 4 बजे से। देखिए मैंने कहा था हमारे आशीर्वाद के जो क्षण होते हैं, वीरेश्वर जी वो चले जाते हैं 5:30 बजे, वो नहीं रहते हैं हमारे साथ अपने कामों को करने के लिए, तो हम ये प्रयास करेंगे कि इसको कल बहुत ज़्यादा ना खींच करके 5:25, 5:28 तक समाप्त करने का प्रयास करें, तो उस तरीके से करेंगे। कहे कि इस चर्चा का सत्र रुकने वाला नहीं है, आपने भी हमें आश्वस्त किया है और हमें पूर्ण विश्वास भी है, कहे कि जब आप घर से बाहर ही निकल चुके हैं
इस कार्य को करने के लिए, तो हम अपने लक्ष्य तक तो पहुंचेंगे ही। इसी के संग इलियास साहब, आपकी उपस्थिति कल भी प्रार्थनीय है और हमारे और साथी जो भी उपस्थित हैं वो और लोगों को भी जोड़ें, कहे कि हमारे वेबिनार में बहुत अभी जगह बाकी है, बहुत लोगों को हम इसमें जोड़ सकते हैं, और इसके अलावा लाइव पे भी चल रहा है, वहाँ पे भी लोग जुड़ सकते हैं, और अगर कुछ कमी पड़ती है तो हम लोग और प्रयास करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जन जन तक ये बात पहुँचे। इसी के संग आप सभी लोगों से कल पुनः इसी समय 4 बजे मुलाकात होगी इसी वेबिनार लिंक पे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, जिससे कि जो लोग भी अपनी यहाँ पे